जय गौर हरि, हरे कृष्णा। तो आज के इस पावन दिन भगवान ने जो प्रॉमिस किया था सूर्य देव को, भगवद गीता किसको बोली थी पहले, और क्या कहा था उन्होंने कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तो मैं अवतार लूंगा। तो भगवान ने राम जी का अवतार लिया और एक महा दुष्ट प्रवृत्ति रखने वाले रावण का नाश किया। आज के दिन भगवान राम का दिन है। किसका? विजय उत्सव। क्या ये मनाई है? पता लगा या तो मेरा फेस देख लूं या मैं आपका फेस देख लूं। है फेसबुक है, अजीब है ये। आइडेंटिटी जो नहीं है उसी को बढ़ाते हैं। ये फेस आपकी आइडेंटिटी है? है है क्या? ये आपका आप है, ये शक्ल है कि आप है शक्ल फेसबुक। देखा नाम भी क्या दिया है, यू एंटर द ट्यूब यूट्यूब, और कुछ देख ही नहीं पाओ। यूट्यूब में क्या होता है जी, माया के ट्यूब पर घुस जाते हैं लोग। किसके? बस, तो वो यूट्यूब हो गया। तो आज का दिन बड़ा, आज के दिन में हम दशहरा को लाखों साल से मनाया जा रहा है। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, हर हिंदू को, कि ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है। राम जी कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, रावण कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। बस उसमें अगर आपको दशहरा का रहस्य समझना है, जो कि आज का विषय है, तो पहली चीज रहस्य में घुसने के लिए जो पहली चाबी है, जो कि आज हिंदू समाज के अंदर हमारे प्रिय अंग्रेजों ने भर दी है कि ये माइथोलॉजी है। क्या है? मिथ। मिथ का मतलब कल्पना, जो कि एक्चुअली है नहीं। काल्पनिक बना दिया हमारे रामायण को। क्या बना दिया? हमारे पुराणों को, हमारे महाभारत को काल्पनिक बना दिया, और उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे बड़े सारे सो कॉल्ड आध्यात्मवादी भी जुड़ गए, जिन्होंने कहा कि ये तो एक काल्पनिक कथा है। सॉरी, राम जी पहली बात काल्पनिक नहीं है, राम जी हुए थे, अभी भी हैं और रहेंगे। इसमें अयोध्या में मंदिर बनाने वाले भी बहुत हैं, जो कि राम जी के अस्तित्व को नहीं मानते कि राम जी भगवान थे, हैं और रहेंगे। अभी भी वो राम जी की पूजा का इस्तेमाल करते हैं। राम जी को एक क्या कहते हैं, स्टेयर केस को क्या कहते हैं, सीढ़ी बनाते हैं कि जी वो तो सीढ़ी है, परम सत्य तो निराकार है, है? इनको गौड़े वैष्णव और वैष्णव जन भगवान के सबसे बड़े अपराधी मानते हैं। अरे, परम सत्य निराकार और निर्गुण कैसे हो सकता है?
उनका निराकार कहने का एक ही अर्थ था और है और रहेगा कि उनका आकार हमारे जैसा नहीं है जो कि सीमित है। क्या हमारा आकार क्या है? सीमित है। और निर्गुण का अर्थ क्या है? कि वो इन तीन गुणों से जो कि बेसिकली हमें बांधते हैं उनसे वो परे हैं। गुण का अर्थ क्या होता है? तीन गुण। तो इन तीन गुणों से, तीन गुण क्या करते हैं? गुण का मतलब क्या बताया था मैंने, जिन्होंने 13 घंटे सुने हैं उसमें क्या बताया मैंने गुण को? रस्सी। जो मैं उनको भी अनुरोध करूंगा जो 1-2-3 बार सुन चुके हैं उनको, जैसे हर साल दशहरा मनाते हैं ना, रामनवमी मनाते हैं, ऐसी कम से कम 2-3 बार रिपीट करनी चाहिए। बड़ी जरूरी है वो, क्योंकि वो फाउंडेशन है, वो आपकी नींव है। ये मैं देखा है भक्तों में कि नींव खिसक जाती है कई बार। क्या रहती है? नींव खिसक जाती है। बेसिक्स रिपीट कर लेने चाहिए कई बार, है ना प्रभु जी? जैसे कि कई रईस लोग हुए हैं जो गरीबी से उठे हैं, तो उन्हें गरीबी कपड़ा साथ में रख रखा है और बोलते हैं मैं रोज इसको देखता हूं कि मुझे याद रहे कि मैं असली में कौन हूं, मैं असली में कौन हूं। ये तो बाकी तो परपंच आ गया, जुड़ गया मेरे साथ। क्या हो गया? बाकी तो परपंच है जो जुड़ गया है मेरे साथ। हकीकत तो ये है। और मैं कहता हूं एक चीज और लगा के रखो, अपनी फोटो जिसमें नाक में रुई हो और लेटे हुए हो, खिंचा लो एक बार फोटोग्राफर के पास जाके, बोले आप पागल आ गया, अरे यही तो होने वाला है शरीर का, है जी, रखना चाहिए ना घर में। घर वाले ही पागल हो जाए, यार ये क्या कर रहा है इसने, बोलते फर्स्ट क्लास अपना मंगवाओ, क्या 2 बांस है नहीं जैन प्रभु है बता, उस पर लेट जाओ, दोस्तों को फूल वूल डाल दे पहले, नाक में रुई लगा दे और फटाफट एक फोटो खींच कि ये मेरा अस्तित्व होने वाला है, दिस इज वॉट आई विल बी, है ना, नॉट आई, मैं नहीं हूंगा, ये मेरा शरीर होगा ऐसा। ये प्रेजेंट कर दो बर्थडे पे जो भी जिसका भी हो, है आजकल तो हो सकता है ना फोटोशॉप के अंदर, फोटोशॉप सब कुछ लटा भी सकता है, नाक में रुई भी लगा सकता है और आंख भी बंद कर सकता है, है क्योंकि शेव भी कर देता है वो तो। जैसे एक बार फोटो खींचे थे, बोले मैंने कहा शेव नहीं करी, कुछ चिंता मत करो हम कर देंगे। मैंने कहा यार तुम तो नाई भी हो गए। हाँ ध्यान रखिएगा, ये हमारा ये युद्ध जो है निराकार और निर्गुणवादियों से अनंत काल से चल रहा है वैष्णवों का, जो कृष्ण के भक्त हैं, जो राम के भक्त हैं, और एक जो कृष्ण के भक्त और राम के भक्त बनते हैं। वो कहते हैं कृष्ण या राम जी तो महापुरुष थे। भाई साहब वो तो वो एक ही पुरुष है, बाकी तो कोई पुरुष है ही नहीं, बाकी तो सब शक्तियां हैं। आज दशहरे के दिन क्या करना है? राम जी को जीवन में लाना है, किस लिए कैसे, समझिए रावण क्या है। लोग कहते हैं पापों का पाप है, विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर द ईवल, नहीं कहते अंग्रेजी में कि आज का दिन क्या है कि अच्छाई की बुराई पे विजय, कहते तो नहीं, आज का दिन है ज्ञान का ज्ञानता पे विजय। आप पाप कब करते हैं? जब आप अज्ञानता में होते हैं। सही बात है, गलत बात है? पाप आप जब ही करते हैं जब आप अज्ञानता में होते हैं। तो रावण जो है वह अज्ञानता का प्रतीक है, और सबसे बड़ी अज्ञानता क्या थी उनकी? उनकी सबसे बड़ी अज्ञानता यह थी कि उन्होंने राम जी को राम जी नहीं माना, उन्होंने अपने आप को राम जी पुरुष हैं, अपने आप को पुरुष मानने की कोशिश करी, अर्थात चुप। अरे सामने बैठे कपच जा रहा है बाहर जाओ। तो रावण खुद पुरुष बनना चाहता था। क्या पुरुष तो एक ही है प्रभु जी? जब मीराबाई मिलने गई थी
जीव गोस्वामी जी से, तो जीव गोस्वामी जी ने कहा कुटिया के अंदर से कि मैं स्त्री को नहीं मिलता। तब मीराबाई जी ने कहा था कि वृंदावन में कोई और पुरुष भी है कृष्ण को छोड़कर, तू भी तो स्त्री है। तो ये तो जीव गोस्वामी और एक लीला थी हम लोगों को सिखाने के लिए, क्या कि हम लोग इसी में तो मारे जाते हैं। अब पुरुष कई बार स्त्री कहेंगे मैं तो पुरुष नहीं हूं तो स्त्री हूं, नहीं नहीं तुम भी बहुत बड़ी पुरुष हो। अगर भोगते कहीं भोगने की भावना है ना तो स्त्री नहीं हो, पुरुष हो। क्या हो? पुरुष हो। शक्ति वैकुंठ में स्त्री और पुरुष नहीं है, पुरुष एक ही है, बाकी सब शक्ति है। उसको आप भौतिक जगत में समझने के लिए कह सकते हैं स्त्री, परंतु वो सही वर्ड नहीं है, वो सही वर्ड नहीं है, क्योंकि यहां सभी पुरुष बनने की कोशिश करते हैं। चाहे जिसने स्त्री का शरीर ले लिया हो या पुरुष का, सबके सब क्या बनना चाहते हैं? भोक्ता, पुरुष। तो रावण ने भी क्या कोशिश करी थी कि मैं भोक्ता बनूं, किसके कारण? अज्ञानता के कारण। तो आज का दिन जो है दशहरा, ये अज्ञानता पे ज्ञान का विजय है। क्या है भाई? अज्ञानता पे ज्ञान की विजय है। सच्चे अहंकार की झूठे अहंकार पर विजय। अब वो कैसे? राम जी ने सिद्ध किया कि मैं ही एक पुरुष हूं, और रावण को जताया कि तू पुरुष नहीं शक्ति है। क्या है? तू भोगता नहीं है, तू भोग्य है। यू हैव टू बी इंजॉयड, यू कैनॉट इंजॉय। द इंजॉयर इज ओनली कृष्णा एंड द इंजॉयड इज एवरीवन एल्स। समझ लीजिए ये वहां हद तक है कि कृष्ण भगवान ही पुरुष हैं, उनके जो अवतार हैं वो भी उनको ही आनंद देने के लिए हैं। बलराम जी, नारायण, विष्णु, राम, सब वो विस्तार भी इसीलिए हैं। तो बाकी हमारी तो बात छोड़ी, जब खुद वो विस्तार लेते हैं तो अपने आनंद के लिए लेते हैं। तो ये इस पे चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि आपके ऊपर से चली जाएगी। बाउंसर क्रिकेट में होता है ना बाउंसर, और परफेक्ट बाउंसर वो होता है जो सर को मारे जाके है, हट नहीं पाए वो और चित हो जाए, क्या तभी तो बचाएगा अपने आप को। जब बचाएगा बैट से, बॉल बॉल बैट से लगेगी और वो पकड़ा जाएगा। तो आज के दिन अगले दशहरे तक क्या करना है? दो दशहरे बीच में आप क्या करते हैं? अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक के बीच में क्या करना है कि 31 मार्च को प्रॉफिट आए, है ना? इसी तरीके से हमें जन्म से लेकर और मृत्यु तक हमें ऐसे अकाउंट पैदा करने हैं कि जब हम शरीर त्यागें तो हम प्रॉफिट में त्यागें। किसमें त्यागें? प्रॉफिट। प्रॉफिट में त्यागें। प्रॉफिट क्या है? अज्ञानता पूरी तरह से समाप्त हो जाए। आप बोलोगे उसका मतलब क्या? कि 24 घंटे आप कृष्ण के बारे में सचेत हैं, इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। रावण बिल्कुल ऑपोजिट था। क्या था? रावण बिल्कुल ऑपोजिट था, बिल्कुल विपरीत। तो सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है? सारी अज्ञानता का मूल क्या है? कौन बताएगा? बताओ। अरे बोलो, गलत ही तो बोलोगे और उसमें क्या हो जाएगा? गलत बोलने से मैं गला काट दूंगा? नहीं, लोगों के सामने मूर्ख लगोगे, वो तो हो ही है। प्रभु जी, प्रभुपाद जी का मैंने भेजा था ना कोर्ट,
क्या बोला था, डिसाइपल शुड थिंक, क्या सोचना चाहिए कि वो मूर्ख है, शिष्य को क्या सोचना चाहिए वो मूर्ख है। जब मैं पढ़ता हूँ और सुनता हूँ तो मैं अपने आप को यही समझता हूँ कि मैं मेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, जब भी समझ पाता हूँ। जहाँ मेरे में ये अहंकार आ गया, ये तो मुझे आता है, जब ही तू ज्ञान से दूर जाता है, समझ में आया। तो आज का दिन, हाँ सही का गलत पे विजय, तो गलत है क्या, उसका मूल क्या है बताइए। वो तो हाँ जी, क्या है मैं शरीर हूँ। अच्छा हाँ बताइए, आंसर दो सही, गलत टू इंटू टू फाइव नहीं होता, वेरी गुड। बंधु क्या होता है ये बताओ ना, मैं शरीर नहीं हूं, नहीं आंसर सही नहीं है। इसी तरीके से कि टू इंटू टू फाइव नहीं है, इट इज राइट आंसर बट इट इज नॉट द परफेक्ट आंसर। मैं कृष्ण भगवान का अंश हूं, उनकी शक्ति हूं, इसलिए शक्तिवान की सेवा में मेरा जीवन जाना चाहिए, बस ये समस्त अज्ञानता का मूल है, अर्थात समस्त पापों का मूल है। अर्थात आप यहां भौतिक जगत में इस जेल में फंसे थे, फंसे हैं और फंसे रहेंगे, अनंत जो अलग अलग योनियों में घूमते रहेंगे। अभी भी आप कौन से, हम कौन से मनुष्य योनि में है। धर्म हीना ते पशु भी समाना हितोपदेश, धर्म से जो हीन है वो पशु के समान है। भागवतम द्विपद पशु, भागवतम क्या कहता है, दो पैरों का पशु। ये अज्ञानता, सारा रावण का जो मूल है इस अज्ञानता में बेस्ड है। तभी वो लक्ष्मी जी को उठा रहा है, क्या लक्ष्मी चंचल, क्या कितने दिन पकड़ के रख लेगा, छाया लक्ष्मी को नहीं पकड़ पाया हो तो। बिकॉज ये आप जितनी लक्ष्मी की यहां बात करते हैं, लक्ष्मी पैसे के रूप में, लक्ष्मी विद्या के रूप में, जिसको अविद्या कहा जाता है वैसे शास्त्रों में, जिसको आप विद्या समझते हो क्या कहा गया, अविद्या। लक्ष्मी जमीन जायदाद के रूप में, बताओ पकड़ के रख सकते हो हैं, जवान प्रभु साथ लेके जाओगे हैं, फिर भी रखते हो हैं, अनंत रूप प्रभु, जिसको साथ ले आते हो, ले आ सकते हो, उसके बारे में सोचते ही नहीं। कृष्ण भगवान साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। सिर्फ हमें ये क्या होना चाहिए, अंग्रेजी में कहते हैं उसको रियलाइज, रियलाइज को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुभूति, अनुभूति, ज्ञान नहीं, नहीं नहीं, ज्ञान और अनुभूति में फर्क है। एक नॉलेज है, एक रियलाइज नॉलेज है। ये क्या है, रियलाइज नॉलेज, अनुभूति, आपको अनुभूति करनी पड़ेगी। जब तक अनुभूति नहीं होगी, आप पल पल भगवान को भूलते रहेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, भगवान ने गीता में क्या कहा है, तस्मात सर्वेशु कालेशु माम स्मरण युद्धयच्च, हर काल में मेरा स्मरण कर और फिर युद्ध कर। आप क्या कहते हो, पहले युद्ध कर फिर याद कर, नहीं भाई साहब, पहले याद कर फिर युद्ध कर। तो पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या करने की, अब पढ़ने जाते हो भाई तो पहले याद करते हो कि पहले एग्जाम देते हो, है पहले याद करने की प्रैक्टिस करते हो। पर तो हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है, भूलने की प्रैक्टिस। तो पहली चीज क्या गलत करते हैं कि ये काल्पनिक है,
राम जी काल्पनिक कथाएं हैं, काल्पनिक लोगों ने लिखा है, ये सब बोगस है। राम जी हैं, आज भी आप राम जी से कहते हैं बतिया सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, परंतु उसके भी प्रोसेस है। प्राइम मिनिस्टर से मिलना तो अलग प्रोसेस है ना जी, MLA से मिलना है तो अलग प्रोसेस, डॉक्टर से मिलना है तो अलग प्रोसेस, सबके प्रोसेस अलग है। इसी तरह से भगवान को मिलने के प्रोसेस भी अलग। ये बहुत जो ये ज्ञान है ना प्रभु जी, जो प्रभुपाद ने हमें दिया है, जो वेद हमें कहते हैं, जो टॉप मोस्ट का ज्ञान है। भगवान ने गीता में कहा है, ज्ञान को भी बताया कि तीन लेवल पे है, त्रय गुणे विषय वेदा। ज्ञान तीन लेवल पे हो गए, त्रय गुणे विषय वेदा, तीन गुणों में है वेद, तो तमोगुण लोएस्ट, रजोगुण उससे श्रेष्ठ और सतोगुण उससे श्रेष्ठ। अरे त्रय गुणे विषय वेदा निस्त्रय गुण भवा अर्जुन, इन तीनों गुणों के ज्ञान से परे जा अर्जुन, तो आपके सामने जो हम ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं वो तीन गुणों से परे है। तो कई बार आपको झटके लगते हैं जब आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा थोड़ी कोई होता है, नहीं ऐसा ही होता है, क्योंकि आप तीन गुणों में हो। आप किसमें हो, तीन गुणों में, किसी गुण की प्रधानता है आपके जीवन के अंदर, जिसके कारण जो तीन गुणों से परे चीज है वो आपको समझ में नहीं आती। तो यहां जो विद्या की चर्चा हो रही है वो तीन गुणों से परे है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आएगी समझने में, चिंता मत करिए, इस पे लगे रहिए। इस बात को क्या करते हैं, इसको कहते हैं एक्सियोमेटिक ट्रुथ्स। के एक्सियोमेटिक ट्रुथ्स क्या होते हैं, मानकर चलो। प्रभुपाद जी ने हमें शुरू के अंदर भगवद गीता के अंदर हमें सिखाया कि कैसे इस ज्ञान को लेंगे। जैसे बच्चे को क्या बोला जाता है, पहले क्या सीख, अंग्रेजी अगर सीखता है, हिंदी सीखता है, तो पहले किसका अक्षर ज्ञान ले, क्या अक्षर, शब्द ज्ञान नहीं, कौन सा ज्ञान, अक्षर ज्ञान, ABCD। कैट एप्पल कब सिखाया जाता है, जब अक्षर ज्ञान हो जाता है, राइट, पहला अक्षर ज्ञान। तो बच्चे को ये फेथ है, ये श्रद्धा है, ये पूर्ण विश्वास है कि कल मैं पिताजी की तरह अखबार पढ़ सकूंगा, किताब पढ़ सकूंगा, कि अक्षर ज्ञान लेना प्रारंभ करता है, जिससे क्या बनता है, शब्द बनते हैं, और शब्द पे उसको विश्वास है कि मुझे शब्द सीख जाऊंगा तो मुझे वाक्य बनाने भी आ जाएंगे, और यदि वाक्य बनाने आ गए तो गद पद भी मैं लिख सकता हूं। हर चीज इस भौतिक जगत के अंदर विश्वास पे शुरू होती है। तो आप जब आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो आज दशहरे के दिन प्लीज सब रावण को मारने में लगे, और मारना किसको चाहिए, अज्ञानता को, है जी। रावण को मारेंगे, दारू पिएंगे, दुनिया भर के उल्टा सीधा खाएंगे, और वे तुझे मारना चाहिए था, तो रावण तो तू है, हैं? तू किस रावण को मारे आया, अपने भाई को मारे आया तू बेवकूफ, तू तो उसी परिवार का है। अपने अंदर झांक कि तू रावण की सेना में है कि राम की सेना में है, और अपने आप को देखोगे आप कहां पाओगे, रावण की सेना में। भग लो चुपचाप, राम जी की सेना में आ जाओ, विभीषण बन जाओ, क्या बन जाओ, विभीषण बन जाओ। ऐसे बदमाश लोग हैं प्रभु जी, इतने बदमाश हैं कि विभीषण को नीच दृष्टि से पेश कर दिया। क्या बोलते हैं कई बार घर के अंदर, तू तो घर का विभीषण है, रंग का भेदी है। अरे मूर्खो, सारे लंका के अंदर तो एक ही तो इंटेलिजेंट व्यक्ति था जिसका नाम विभीषण था। अब देखो मूर्खों को है, हकीकत के अंदर जब तुम दशहरे पे रावण को जलाते हो तो तुम क्या हो,
तुम सब विभीषण हो, क्योंकि विभीषण तो मरवाया रावण को। किसने मरवाया रावण को? राम जी ने तीर छोड़ा है, परंतु मरवाया किसने? तो अपने जीवन में विभीषण को जोड़ो, अर्थात भक्त को जोड़ो, तब तुम अपने अपने अंदर के रावण को मार पाओगे, अपने आप नहीं मार पाओगे, अपने आप को तो रावण की सेना में पाओगे, है ना? परंतु आप लोग सब अंदर से पूंछ वाले हो। बोले वो मतलब हनुमान जी के चेले, सबके सब क्या हो? भक्त हो। परंतु अगर आप लोग रावण अपने अंदर जो बैठा रावण रूपी चेतना हो गई है, उसको मारने के लिए आपको विभीषण की सहायता लेनी पड़ेगी। ये भगवान ने, ये मुझे, मैं दृष्टांत को सुन अभी अपने दिमाग में घुमा रहा हूँ, ये पहली बार बोल रहा हूँ मैं अपने लिए, मेरे को भी मैं सीखता हूँ, मैं बोलता हूँ ना तो मैं सीखता हूँ उससे, ये मैंने कभी नहीं बोला पहले। आप बोलोगे आप ऐसे क्यों बोलते हो बार बार, मैं वो इसलिए बोलता हूँ कि भाई मैं भी इसी को सुन रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप बोलोगे ये कैसे? बिल्कुल, क्योंकि मैं बोल कौन रहा है? मुँह, और सुन कौन रहा है? आत्मा। क्या कौन सुन रही है? तो आत्मा अंदर से कहती है अच्छा बोला, अच्छा बोला। क्या कहती है? भगवान खुश हुए। पहले कोई पिक्चर आई थी, बहुत पुरानी पिक्चर बन गई, जहाँ विलन कहता था खुश हुआ मैं, ऐसा कुछ थी पिक्चर, मुझे अब याद नहीं है, है ना? हाँ ऐसी कुछ था उसका नाम। तो इसी तरीके से आत्मा खुश हुई। क्या हुई? आत्मा खुश हुई। तो राम जी ने क्या सिखाया कि मैं भी नहीं मार सकता, तुम्हारी अज्ञानता को, जब तक तुम अपने जीवन में भक्त को लेके नहीं आओगे तब तक मैं भी नहीं मार सकता। समझ में आ रहा? आज एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हो ना इस दृष्टांत को। क्या सिखाया इसमें राम जी ने कि मैंने जो मारा मारूंगा मैं ही, क्यों? ज्ञान मिल रही है। भगवत गीता का ज्ञान जो है, भागवत का तो ज्ञान है, उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। बड़ा अजीब चीज है ये, हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आए, परंतु तो हकीकत में वो जब भी, तो कहते हैं हमारी फिलॉसफी को जब समझने जाते हैं, हम इस दर्शन को समझने आते हैं, तो पहला शब्द है अचिंत्य। क्या है? जो चिंतन से, अरे हम तो अंश हैं। देखिए ये तक दिखा दिया कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, राम जी दुखी हो गए। अरे राम जी दुखी हो सकते हैं? वो तो आनंदमय वैसाते हैं। तो ये तो वो बात हो गई, ऐसे कहना कि आग ठंडी हो गई, पूरी लगी है फुल, और वो क्या है? ठंडी हो। कैसे हो गई ठंडी? ये लीला है जिसमें उन्होंने बताया कि अरे छोड़ तू सबको, मेरे भक्त के बगैर तो मेरा भी निस्तारा नहीं है। हनुमान जी को गए ना हनुमान, भक्त की महिमा दशहरे पे आप किसकी महिमा समझ रहे हो? रहस्य क्या है? राम जी क्या रहस्य उजागर कर रहे हैं? राम जी क्या कि मेरे पास आने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए तुझे भक्त का सहारा लेना पड़ेगा। तो आज प्रभुपाद जी ने, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया, हमारे गुरुदेव ने, उनसे हम सीखे कि राम जी महापुरुष नहीं है, वो तो ओनली पुरुष है। क्या? केवल पुरुष। अब बताओ, महापुरुष तो अनेक हो सकते हैं, तो केवल पुरुष तो एक ही होगा। वो केवल पुरुष है, वो महापुरुष नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाएं इस बात का वो कर रही हैं कि महापुरुष हैं वो, कृष्ण भी एक महापुरुष थे, आप भी कृष्ण बन सकते हैं, आप भी राम बन सकते हैं, आप भी नारायण बन सकते हैं।
जो बन सकते हो बनते नहीं हो, और जो बन नहीं सकते उसके चक्कर में पड़े हो। अरे विभीषण बन सकते हो, हनुमान जी बन सकते हो, प्रहलाद महाराज बन सकते हो, ध्रुव महाराज बन सकते हो, परंतु राम जी नहीं बन सकते। तो वो जो नहीं बन सकते उसके लिए कोशिश क्यों कर रहे हो? इस भावना को खत्म करो। इस दशहरे पे प्रण लो कि अगले दशहरे तक इस भावना का हम सत्यानाश कर देंगे। जैसे कि जला के राख कर दिया है हमने। बताइए रावण को कैसे मारते हो? मार के छोड़ देते हो, जला के राख कर देते हो? इसी तरीके से आपकी जो भोगने की चेतना है, दो ही चेतना होती है, भोग योग चेतना या योग चेतना, क्या भोग चेतना या योग चेतना, क्या हम इस भोग चेतना का मारेंगे नहीं, इसको जला के खाक कर देंगे? ये सोचिए, ये विचार करिए। और ये आसान नहीं होगा। इसमें विभीषण जी को क्या करना पड़ा बताइए आप? विभीषण जी ने जब भगवान राम का साथ देना सोचा तो सारा रावण का परिवार एवं पूरी लंका उसके साथ थी कि अगेंस्ट थी? आप नहीं देखते, आप जब भक्ति शुरू करने लगते हो तो क्या होता है, सब साथ चल देते हैं कि क्या टांग खींचते हैं? हैं, बताइए आप। नहीं बोलते मिलते आपको, चौहान प्रभु क्या हो गया, आप तो पैग वैग लगाना छोड़ दिया है? मैं अपना बता रहा हूं, बहुत गालियां दिया करता था। और नहीं नहीं तो आप समझ ही गए, इतना प्रचार में करता हूं तो आप देखते हो कि दिमाग तुम्हारा बहुत तेज चलता है। तो उस टाइम भी ऐसे ही था, नई गालियां निकालता था। तो जब मेरे को मेरा दोस्त मिलने आया, जब मैंने भक्ति में प्रवेश कर लिया, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने उसको 3 घंटे प्रचार करा। आया मेरे साथ मिलने के लिए, आखिरी बताओ क्या कहता है? अरे कौशिक, तूने तो एक गाली नहीं दी 3 घंटे में। मैंने, गधे कहीं के, तुझे मैं क्या बता रहा था और तू क्या सुन रहा था? उस टाइम मैंने रियलाइज किया, मुझे 3-4 महीने हो गए थे। मैंने कहा हाँ, मैंने 3-4 महीने से एक गाली भी नहीं दी, जो कि मुझे कॉलेज के अंदर, मैं प्रेसिडेंट था यूनियन का, गालियां देना नॉर्मल, तो मुझे कोहनी मारते थे जब कोई माता आ जाती थी, संभाल। मैं बोल रखा था कोई आ जाए माता वाता तो मुझे कोहनी मार देना, तो उनके सामने गाली देना सही बात नहीं है। कहते ना अंग्रेजी में choicest of abuses। तो भक्ति बड़ी पावरफुल चीज है प्रभु जी। उस टाइम मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि अरे इसने तो मेरा नेचर बदल दिया, इसने तो मेरा स्वभाव बदल दिया। अरे माय गॉड, क्या पावरफुल चीज है। मेरा सारा जो इच्छाएं थी सब खत्म नहीं करी, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। सर मैं विश्व में आग लगा, मैं जो बिजनेस का सोचता था, हम मुकेश अंबानी नहीं सोच सकता, उसने तो 600 कमरों का बनाया, मैं तो 1000 कमरों का सोचा करता था घर, वो तो 600 कमरों का सोचता था। और बड़ा जबरदस्त आशावादी था मैं प्रभु जी, क्योंकि मैं रहा आगे अभी तक हूं, जबरदस्त आशावादी हूं प्रभु जी। किसका पुत्र हूं? प्रभुपाद का। प्रभुपाद ने कहीं निराशा नहीं की, नजर आती है आपको? रावण की सेना से जब लड़ने गए थे तो मतलब गिलहरी तक लग गई उसमें, है? मतलब क्या आत्मविश्वास होगा कि मैं बना दूंगी सेतु, है? ये उत्साह जो आपको चेंज नहीं करना, डायरेक्शन देनी है, क्या सिर्फ डायरेक्शन देनी है। आज वही उत्साह से मैं इसमें लगाऊं, और प्रभु मेरे
तो इसी तरीके से आपको राम जी से कम सीखो, भक्तों से ज्यादा सीखो, क्योंकि आपको राम जी नहीं बनना, क्या बनना है? लोग कृष्ण भगवान पे कटाक्ष करते हैं, अरे कृष्ण भगवान पे कटाक्ष कर रहा है मूर्ख, उनके भक्तों में सुदामा जी को देख, किसको देख, अर्जुन को देख, ब्रजवासियों को देख, कितना प्रेम ब्रजवासियों में कि उनके अश्रु से आज तक वृंदावन के अंदर जो पानी है वो नमकीन है, क्योंकि अश्रु क्या होते हैं, नमकीन होते हैं। सोचो क्या अश्रु बहे होंगे, है प्रभु जी, कृष्ण की विरह में क्या ऐसा है आपके साथ, जय हो। तो आज इस दशहरे के दिन ये भौतिक चेतना, ये तीन गुणों की जो चेतना है जिसने हमें फंसा रखा है, इसको काट फेंकना है। और अगले दशहरे का इंतजार मत करना, कि दशहरे से पहले जैसे होता ना, जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो आखिरी में क्या करता है, प्रभु जी चिट बनाता है ना, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं बता सकते हैं, है ना प्रभु जी, जो पूरे साल पढ़ता है वो चिट बनाता है, वो चीटिंग करना चाहता है। और बड़ी अजीब बात है कि मृत्यु के इम्तिहान में चीटिंग नहीं चलती, ये अजीब इम्तिहान है, अकेले बिल्कुल, पेन कागज भी हाथ में नहीं है? चीटिंग नहीं कर सकते। अगर पूरे साल पढ़ा है तो टीचर ही टीचिंग करा देगा, चीटिंग करा देगा, ये गुरुदेव करते हैं। प्रभुपाद ने क्या कहा, जब प्रभुपाद से पूछा कि कितनी भक्ति करनी पड़ेगी, बोले 80% कर लो, ले जाऊंगा भगवत धाम, फिर देखा इधर उधर 60 कर लो, फिर ऐसे अपना शॉल मारी और उठे व्यास आसन, बोले 40% में ही वापिस ले जाऊंगा। बताओ आप 40 भी नहीं कर रहे, बताइए आप, जिसको आप 100% समझते हैं वो 15% भी नहीं है। एक्चुअली मैं ये अगर मैं कहूं तो गलत नहीं हुआ कि परसेंट ही नहीं है, क्योंकि मैं पूरे दिन देखिए उल्टा देखते हैं उसको, रिवर्स तरह से देखते हैं, आप कितनी देर तक भगवान को भूले रखते हैं, ज्यादा के कम? अब उल्टा आते हैं, अब सीधा हो जाते हैं, तो उसका मतलब याद कितनी देर रखते हैं, तो कौन जीता, याद या भूलना, कौन सा कौन जीता बताओ, एग्जाम में पास हो जाएंगे है? कैसे हो जाएंगे, भगवान चाहते हैं हम पास हों, अरे भगवान ने मना नहीं किया कि तुम राजा नहीं बनो, परंतु किस लिए बनो, मैं तो बोल रहा हूं स्पष्ट, कॉलेज डेज में मैं पॉलिटिशियन था, पॉलिटिशियन नहीं था, क्यों, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था मैं, मैंने जब अपने ऑपोजिशन, जब वो हार गया ऑपोजिशन वाला, तो मुझे को इतना दुख हुआ, मैंने रिजाइन कर देते हैं यार तू खुश रहे, तो फिर मेरे दोस्त थे साथ में जो कि इतने ज्यादा भावुकता में, तो अरे कौशिक रुक जा तो क्या कर रहा है, मैंने कहा यार ये दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रेसिडेंट बनने से ये दुखी हो रहे हैं, जाने दे क्या फर्क पड़ता है, हम तो वैसे भी काम कर लेंगे, बगैर इनके भी कर लेंगे। हाँ तो आप अगर कृष्ण भावना में तो इस देश को बचाना चाहते हैं तो भक्तों को ही गवर्नमेंट की, आप गवर्नमेंट पे आना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी बोलते थे, मुझे उस दिन संतुष्टि मिलेगी जिस दिन जज जो है वो तिलक लगा के बैठा होगा, क्या हाँ ये प्रभुपाद जी बोलते थे, मैं भी बोलता हूँ, CM PM सब भक्त होने चाहिए, क्या होने चाहिए, भक्त होने चाहिए।
भौतिक उन्नति तो भैया वो तो अपने कर्मों के हिसाब से है। भौतिक जो सुविधाएं हैं वो तो अपने आप पहली पैदा होती फिक्स होती हैं। वो जो आदमी कहता है कि मैं मेहनत से लाया हूं, बड़ा बहुत बड़ा मूर्ख है। बड़े बड़े जो दुनिया के टॉप 3-4 में आते हैं प्रभु जी, इनके शेयर ऐसे साफ हो जाते हैं। पढ़ा नहीं हमने? आप तो CSO आप तो जानते हो क्या पता लगा $5 बिलियन नुकसान हो गया। $5 बिलियन का नुकसान। सोफा भाई तेरी बुद्धि तो वही है, नुकसान कैसे हो गया तुझे? फायदे करते करते नुकसान कैसे आ गया जीवन के अंदर? है कैसे आ गया? अरे आप जनता को एक लीडर बन के सुखी देखना चाहते हो या मजे में देखना चाहते हो? ये दो अलग शब्द है। आज सारे पॉलिटिशियन 99.9 नहीं 100% मजा में देखना चाहते हैं, सुखी नहीं देखना चाहते, क्योंकि सब अपने कर्मों के अनुसार जितना उनको मिलना है उतना मिलेगा कभी। परंतु इसके लिए एक ही चीज भगवान ने कही, शुरुआत गीता के अंदर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? सहन करना सीखो। क्या है वर्ड वो? तितिक्षवा। कब सहन करोगे? जब सेटिस्फाइड होगे। जब आप संतुष्ट होगे तभी तो सहन कर लोगे। अगर आप प्रभु जी आपको चाहिए ही नहीं, जैसे कि बॉम्बे में एक तरीका था, उधर दूसरे शहरों में यहाँ पे आ गया होगा कि क्या कहते हैं, गाड़ी ऐसे खड़ी है किसी की तो पैसा फेंक देंगे, इधर नोट फेंक देंगे और ब्रीफ केस उन्होंने देख लिया कि आपका पीछे पड़ा है गाड़ी में, वो नोट फेंक देंगे ऐसे, बोलेंगे अरे सर आपका पैसे गिर गया। देखा ड्राइवर चल, वो जो दो जो जा रहे थे एक जना चला गया, तो उसको बोला कि आपके, और जैसे ही वो गाड़ी से निकला पीछे से खोला और बैग लेके गायब हो गए। विष्णुप्रिया के साथ भी हुआ ऐसा, पैसा फेंका। विष्णुप्रिया को कहा कि वो साहब के पैसे गिर गए। उनके कैसे पैसे गिर गए? गिर गए होंगे, मैं क्या करूँ? निकली नहीं गाड़ी से, पीछे वाले ने दरवाजा खोला, मेरे ब्रीफ के अंदर 5-6 लाख रुपये पड़ा हुआ। 94 की बात कर रहा हूँ, उसका पैसा 5-6 लाख कितना होता था? पड़ा था मेरे ब्रीफ केस में, बिजनेस के लिए जा रहा था। तो इसने जैसे ही उसने खोला तो तुम जानते हो विष्णुप्रिया तो सब डरते हैं। भाग गया मत कर, क्योंकि इसने लालच ही नहीं दिखाई। फिर मैं जब आया तो मुझे बताया कि पैसे फेंक के भाग गया, फिर बदमाश कहीं का पीछे से निकाला था। मैंने पैसे उठाए और मैंने राधा रास बिहारी गुल्लक में डाल दी। जब वापिस आया मैंने कहा ना तो मेरे पैसे हैं तो भगवान के पैसे हैं, किसके हैं? तो भगवान की सेवा में लग जाए। तो प्रभु जी सेटिस्फाइड सेटिस्फेक्शन सिखाओ। क्या सिखाओ? समझाओ लोगों को। आज ये आज कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो आप देख रहे हो इनकी बुरी हालत है, रात को नींद भी नहीं आती है, अज्ञानता कारण। मोबाइल किसका बज रहा है? अरे इसको बंद करो भाई। तुम्हें अलार्म किसने लगाया कि बंद कर दूं मैं? तो आज दशहरे के दिन इस अज्ञानता को खत्म करो जो आपको सुख प्राप्त करने से रोक रही है। ध्यान रखिएगा, अज्ञानता ही आपको सुख प्राप्त करने से रोक रही है। अज्ञानता में दो शब्द है, अ और ज्ञान, ए और ज्ञान। हटाना किसको है? ए को। किसको हटाना? ए विद्या, ए को हटाओ। आज जो तीर मारो तो इस अ पे मारो। ये अ है अंधकार, अज्ञानता का अंधकार है जो कि आपके विद्या पे आपके ज्ञान के ऊपर छा गया है।
इसको हटाओ, आज ये प्रण लो। हनुमान जी के ऊपर क्या बोलते हैं, उनके ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के कारण गुणों के सागर। पहला वर्ड क्या है, गुण ज्ञान या ज्ञान गुण? मैं प्रभु जी अब इनको पढ़ता हूं, इन लोगों को सुनता हूं, तो मैं सब देखता हूं। जब ये भी सेंटेंस पढ़ता हूं, तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मरण युद्ध यच, तो इसमें पहले क्या कहा भगवान ने, मेरा स्मरण कर, मेरे को फॉलो कर। अनु का मतलब क्या होता है, मेरे मेरे कहने पे चल, ये करने के बाद बाकी बाकी कार्य कर। हम लोग का उल्टा है, पहले मैं बाकी कार्य करूंगा, समय बचेगा तो तेरा कार्य करूंगा, है यही है ना जीवन के अंदर। कि जी पहले ना मैं एक काम करता हूं, सारा अपने जितना मैं कुछ कर रहा हूं उसे निवृत्त हो जाऊं, फिर मैं आऊंगा। कितना समय लग जाता है उसमें, है उधर पे 60-70 साल गए, क्योंकि उससे वो निवृत्त कभी होता ही नहीं है, हो भी नहीं सकता। जैसे हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं, वहां स्टूडेंट्स के साथ क्या, मेरे स्टूडेंट्स का फोन आता है, हम क्या करें? मैंने कहा देखो अपनी इंटेलिजेंस लेवल देखकर, चार दिन हरे कृष्ण महामंत्र कर लिए 16 माला, सारा अपने साधना भक्ति करी, कॉलेज जाओ और उसके बाद कुछ और चीज में 1 मिनट मत लगाओ, सिर्फ पढ़ो, और 3 दिन तो हमें दे दो सेवा करने के लिए। कई बोलते थे नहीं, हमको 3 दिन काफी है, 3 दिन में हम सारा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। प्रभु जी उनके क्या हुए, मार्क्स जो थे और ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो गए, क्योंकि जब वो पढ़ते थे तो खेल मजाक भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, दोस्तों से भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब क्या है, वो 3 या 4 दिन वो किसी से बात ही नहीं करते, हॉस्टल में रहते थे प्रभु जी, किसी से बात ही नहीं करते थे, एंड देयर रिजल्ट्स इम्प्रूव ड्रास्टिकली। ये IIT में हुआ। प्रभु 3 दिन तुम हमें दे दो, कॉलेज के बाद 16 माला कर ली अपने साधना, कॉलेज के बाद 4-5-6 घंटे जो बचे हो हमारे, किसके हमारे, उसका मतलब भगवान की सेवा में लग जाओ, प्रचार में जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, संकीर्तन में जाओ, गांव के अंदर जाके प्रचार करो, शहरों में प्रचार करो, लोगों से मिलो जाकर, एक्टिव। प्रॉब्लम क्या आती है प्रभु जी, कि ना तो भक्ति करते हैं ना ही भोक्ति करते हैं, ऐसी अपने जीवन में मंडे से फ्राइडे अपने लिए, सैटरडे संडे मेरे लिए, अपने लिए, और समझ नहीं आ रहा यार, भगवान के लिए कौन सा टाइम दिया आपने, हैं? अपने और मेरा ही आ रहा है इसमें तो, नहीं नहीं वो फर्क है उसमें। अच्छा बताओ भाई क्या फर्क है? अरे जिसके लिए आया है वो, जिसके लिए आपको ये मनुष्य शरीर, इतना अच्छा कर्म किया आप लोगों ने, इतना बढ़िया कर्म किया है कि आपको भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म मिला है, आहा वाह, और उसके ऊपर तो और भी सोने पे सुहागा हो गया। प्रभु जी आपको प्रभुपाद जैसे गुरु का सानिध्य मिल गया, देखिए सानिध्य गुरु, आपको भी प्रभुपाद जी तो है नहीं अभी। अरे भाई वैष्णव कभी नहीं जाते, उनकी वाणी थी है और रहेगी, उन्होंने हमें कृष्णा भगवान को इतना सरल रूप में दिया है, अब वो कृष्ण भगवान को दे दिया, हाँ अर्थात कृष्ण भगवान के उपदेशों को दे दिया जिसके कारण कि हम कृष्ण भगवान तक पहुंच सके। इंपॉर्टेंट कौन है बताइए, बताइए आप अति सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली नहीं है अति, और मैं तो कहूंगा जैसे होते ना महारथी अति रथी रथी, आप तो महारथी हो, इसको चांस को वेस्ट मत करो। मैं सबसे ही कहता हूं, मैं डिवोटी से कहता हूं कि एटलीस्ट बनाओ, मैं इतने घंटे भगवान के लिए दूंगा सेवा के लिए, फिर आस्ते आस्ते वो, फिर उससे क्या होगा प्रभु जी, जब आप इतना गुड तरह से भगवान की सेवा में दोगे टाइम, तो ऑटोमेटिकली आपका 4 दिन जो आगे हैं उसमें भी आप भगवान आपके जीवन में रहेंगे।
काम करते हुए भी आपके जीवन में रहेंगे, क्योंकि आपने वो दो दिन, मैं तो माताओं कहता हूँ तुम लोगों को मिलके एक स्ट्राइक करनी चाहिए कि दो दिन की छुट्टी, दुकानें ही बंद होनी चाहिए। मेरा पति राक्षस बन गया, बदमाश, इसको दो दिन भक्ति में लगाओ, क्या करो? भक्ति में लगाओ। अब तो पत्नियां कह रही हैं कोरोना वायरस के अंदर जो वर्क फ्रॉम होम था ये हटा के इनको ले जाओ वापस वापस, इन्होंने तो तंग कर दिया। कभी पकौड़े खाएंगे तो कभी चाय पियेंगे, घर बैठे क्या करेंगे? वह कैंटीन में तंग करते थे कैंटीन वाले को, यहाँ फिर कैंटीन वाला समझ लिया है वर्क होम में क्या होता था प्रॉब्लम, बताइए। कोरोना वायरस से कम मरे, हार्ट अटैक से ज़्यादा मरे, तो खाएंगे जब तो यही होगा, बैठे बैठे मोट हो रहे हैं। ये मैं तरीका बता रहा हूँ, मेरा काम ये है, मैं शिक्षा गुरु हूँ ना, तो शिक्षा गुरु का काम है कि भक्ति को अपने जीवन में कैसे लगाएं। आपको टाइम बनाना पड़ेगा कि मैं इतना टाइम दूंगा। आप बिजनेस के लिए टाइम बनाते हो कि नहीं बनाते हो? कि मैं 10 से 6 बजे तो प्रभु जी उस टाइम तो मैं दुकान पे होता हूँ, और इतने वर्कर ही नहीं, वो वर्कर भी हैं परंतु गद्दी पे बैठना जरूरी है। ये बता, आप तो गद्दी को छोड़कर गड्डी में कब आएगा भगवान की? पंजाबी में कहते हैं ना, गाड़ी को क्या कहते हैं? गड्डी। ये गद्दी को छोड़ के तो गड्डी में कब आएगा भगवान की? 6 बजे बाद बात करो, अरे प्रभु जी अब तो बहुत थक गया। और एक आप वृंदावन चंद्र प्रभु शाम को मीटिंग रखते हैं, रात तक चलती है, अभी बोल रहे हैं चुप ही नहीं होंगे। नहीं, ये प्रण लीजिए कि अज्ञानता को खत्म करना है, और अज्ञानता एक ही चीज है, भगवान को भूलना। इससे बड़ी अज्ञानता ना तो थी, न है, न कभी होगी। जैसे एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि मैं भक्ति कब करूं, गुरु ने जवाब दिया मरने से एक दिन पहले। बोले पता ही नहीं मरूंगा कब, तो अभी से शुरू कर दे। और मैं उससे आगे बोला, थोड़ा मैंने ये बोला कि हर क्षण तो मर ही रहा है, जी का रहा है, एंड टोटल आपने सुना है मुझे बोलते हुए, ये एंड टोटल आपके बैलेंस शीट के अंदर जो आता है वही होता है, प्रॉफिट या लॉस एंड से पता लगता है, राइट? बीच में तुमने कुछ भी खेल खेला उससे मुझे क्या मतलब, एंड में क्या है, आखिरी में क्या है, उससे पता लगता है आप जीते या हारे। परंतु पूरे में अगर प्रॉफिट करोगे तभी तो जीतोगे, तभी तो जीतोगे। तो ये आपको निकालना पड़ेगा कि मुझे इतना टाइम, इतने घंटे देना है। और इसी के अंदर मैं कहता हूं आपको अपने परिवार के लिए भी टाइम देना पड़ेगा कि मुझे इतना घंटा देना है, पर उसे बकवास नहीं करनी, पिक्चर नहीं जाना, क्वालिटी टाइम क्या है प्रभु, उनके साथ टाइम दियो, उसे चर्चा करिए, आप क्या कर रहे हैं आप बताइए उनको। हमारा काम परिवार को तोड़ना नहीं है, हमारा काम तोड़ने का है ही नहीं, हमारा काम तो जोड़ने का है। हम आपको क्या सिखाते हैं? योग विद्या। भगवान गीता में क्या कहते हैं? योग कर्मशु कौशलम, कि योग क्या है? कर्म करने का कौशल, कि ऐसे कर्म करो कि आपको कर्म फंसा ना सके, आपको वो कर्म योग में परिवर्तित हो जाए, मतलब भगवान से हमें मिला दे। भगवान कहते हैं अर्जुन योगी बन, क्या बन? योगी बन। यह तो नारा है भगवान का, परंतु कौन सा योगी बनूं? तो भगवान ने बता दिया गीता में अंत में क्या, कि सबसे श्रेष्ठ क्या है? सर्वेषां, कौन है सर्व? सर्व कौन है? सारे योगियों में योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतंतरात्मना, सबसे श्रेष्ठ वो है जो हर टाइम मेरे बारे में चिंतन करता है, मेरे सोचता है मेरे बारे में, योगी श्रेष्ठ है। परंतु आप लोग अयोगी बन गए, अयोगी, आप भौतिक के बारे में सोचते हैं। भगवान कहते हैं वो भी मेरी माया है जिसके बारे में सोच रहा है, परंतु वो सोचने योग्य नहीं है, वो तुझे बांधेगी, मैं तेरे का मुक्त करूंगा।
मैं तुझे अपने पास लाऊंगा। वो तुमने चाहा है इसलिए वो भ्रमित करने की शक्ति है। भगवान पूर्ण है ना प्रभु जी, तो एक याद दिलाने की शक्ति होनी चाहिए और एक भ्रमित करने की। जो भ्रम में रहना चाहता है उसके भी तो होना चाहिए कुछ, तो इसलिए माया बनाई भगवान ने। क्योंकि प्रभु जी अच्छा बुरा जब दोनों होगा तभी तो पता लगेगा आदमी का क्या लेते पकड़ता है, वो अच्छे को पकड़ता है या बुरे को पकड़ता है। रावण इतना बड़ा ज्ञानी प्रभु जी कि उसको यह पता होता था कि मछली क्या सोच रही है समुद्र में, बताइए। ऑलमोस्ट परमात्मा जैसा नहीं हो गया, बताइए प्रभु जी, ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ परमात्मा, इतना ज्ञानी था वो, भंडार था ज्ञान का। परंतु प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीरो, नील। परिवार के लिए टाइम देना चाहिए, परंतु आपका सारा टाइम तो गांधी जी के लिए जाता है। बड़े देशभक्त हो आप लोग, है ना, फादर ऑफ द नेशन है। हम तो फादर के फादर को मानते हैं, कौन, भगवान श्री कृष्ण। हम तो अपने फादर को भी नहीं मानते क्योंकि हमारे फादर भी असली फादर तो है नहीं, उन्हें भी किसी और ने फादर बनाया था, है नहीं। भगवान चाहते तो फादर नहीं बनाते, तो फादर बनता हो। क्रिश्चियन में भी फादर होता है, पादरी, क्या उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फादर। हम पढ़े हैं ना कॉन्वेंट स्कूल में, फादर, ब्रदर, ब्रदर फिर फादर बनता है आगे चल, परंतु असली फादर तो भगवान श्री कृष्ण है। माया के समस्त पर्दों को हटाया, माया का मतलब जो नहीं है, वर्ड बड़ा अच्छा है। तो अज्ञानता का मतलब जो नहीं, अज्ञानता का मतलब क्या हुआ, जो नहीं है। तो अज्ञानता और माया पर्यायवाची शब्द है, अज्ञानता बोलना या माया बोलना एक ही बात है, क्योंकि माया का मतलब ही क्या है, नॉट दिस, ये नहीं, जो नहीं है। आप शरीर नहीं हो और अपने आप को शरीर मान रहे हो तो आप अज्ञानता में हो, और सारे दुखों का कारण अज्ञानता है। रावण ने खुद को दुखी नहीं किया, उसने पूरी अपनी लंका खत्म करवा दी, अपना पूरा परिवार खत्म करा दिया। आज परिवार है कहां, आज तो क्या कहते हैं, सैटेलाइट फैमिली, क्या कहते हैं प्रभु जी, सैटेलाइट तो हवा में घूमते हैं प्रभु जी, फैमिली तो ज्वाइंट ही होती है प्रभु जी, सैटेलाइट फैमिली नाम की कोई चीज नहीं है, फैमिली तो एक ही हुआ करती थी, जो हमारे वेदों में बताया गया है। परंतु हम अपने अहंकार के कारण, किसके कारण, अहंकार के कारण सैटेलाइट फैमिली। भाई साहब ये कौन सा नाम है, कहाँ से आया, ये कौन सी टाइप की फैमिली है, हैं स्वामी प्रभु, सुना है कभी आपने सैटेलाइट फैमिली, ये क्या होती है सैटेलाइट फैमिली हैं। ये वो है कि मैं अपने जो मेरे फैमिली है उसके दुखों में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता, मैं अलग होना चाहता हूँ। मेरी नानी, मेरे नाना को खूब गालियाँ दिया करती थी, बोलती थी सारे परिवार को पाल लिया। मेरे नाना जी हिमाचल के नंबर वन लॉयर थे और परिवार में 50-60 लोग वही सब करते थे, कहते मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, सब बांट दिए। क्योंकि जॉइंट फैमिली में बड़ी अच्छी चीज क्या होती है प्रभु, जैसे भाई हैं 3-4, एक का टाइम खराब आया तो दूसरे ने संभाल लिया। हर के जीवन में टाइम खराब आता है, सैटेलाइट फैमिली में असली सैटेलाइट का वो असली रॉकेट बन जाता है, उसको मैं रॉकेट फैमिली कहता हूँ, जो अमरीका जाता है वो सैटेलाइट नहीं है, वो रॉकेट है। क्या है वहां, जब उसकी बुरी हालत होती है प्रभु जी, उसको बचाने वाला कोई नहीं होता। ये मुझे हमारे डिवोटी जो है जिनका नाम है तुष्ट गौरांगदा प्रभु, जिनको आप तरुण के नाम से भी जानते हैं, जो कि दीक्षा लेके इस बार अमेरिका है, बताते हैं प्रभु जी यहाँ पीछे जब डिप्रेशन आया था
तो लोगों की ये हालत हो गई थी, वापस भारत भाग गए, बोले यहाँ कोई हमें कोई हमारे रिश्तेदार सब कुछ तो है यहाँ, किसी से हेल्प कर देंगे, क्योंकि अभी इतनी बुरी हालत नहीं हुई है, पर तो हो चुकी है वैसे एक्चुअली। रिश्तेदार आते ही अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो पहली चीज़ क्या सोचते हो, क्या लेने आया है, दिमाग में पहला क्या आता है, ये आया क्यों, ये भाई साहब मिलने भी आता है तो क्या सोचते हैं कि क्या हुआ, पत्नी पूछती क्या क्या इसलिए आया था तेरा भाई। हम भी अमेरिका बन रहे हैं आस्ते आस्ते, वह डिप्रेशन क्यों है इतना ज़्यादा, सपोर्ट नहीं है कोई, क्या नहीं है, अब भगवान ने क्या फैमिली क्यों बनाई थी, क्या आप भक्ति कर सको, सपोर्ट रहे। वो कहावत है ना, भूखे पेट भजे ना गोपाला, तो अगर परिवार साथ होगा तो क्या होगा प्रभु जी, बर्तन खड़केंगे, जब धोते हैं तो क्या होता है, बर्तन खड़कते हैं, फिर कुछ देर के बाद क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं, और शांत होकर फर्स्ट क्लास में पनीर बनता है। तो दशहरे पे ये अज्ञानता जो हमारे सोसाइटी में आ गई है, नेक्स्ट ईयर पूरा साल हर दिन दशहरा मनाओ, हर दिन अपने अंदर जो रावण का पार्ट है आपके अंदर, रावण का मतलब अज्ञानता, रावण को किससे रिलेट करो, अज्ञानता के साथ, हर दिन मुझे दशहरा मनाना है। आप एक दिन चाहते हो प्रॉफिट कमाना कि रोज, तो उसके लिए लॉस को खत्म करना पड़ेगा ना। एक्चुअली प्रॉफिट तो हर बिजनेस में है, वो तो लॉस ओवरटेक कर लेता है उसको, राइट और रॉन्ग। बताइए आप, तो हर दिन दशहरा मनाएंगे हम, आज से हर दिन दशहरा मनाएंगे हम, हर दिन हम किसी अज्ञानता के किसी छोटे से टुकड़े को खत्म करेंगे, ये प्रण लेके चलिए। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से लौट के आ रहा हूं, राम जी में विश्वास करना पड़ेगा कि राम जी हैं, और हम कभी राम जी नहीं बन सकते, राम जी भगवान है, ये मानना पड़ेगा। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलयुग में हमें हथियार दिया भगवान ने, ये कलयुग का हथियार है, बताता हूं ना मैं, ये मैगजीन जिसमें गोलियां हैं, क्या है, और गोलियां क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम राम, ये बैरल है, ये क्या है, ये बैरल है, और बड़ी अजीब बैरल है, इसको ऐसे भी करो तो भी जाने निकालती है गोली, परंतु हकीकत में हम यूं क्यों रखते हैं, अरे बाहर वाले गोली मारने की जगह अपने को गोली मार भाई, इसको ऐसे क्यों रखा जाता है, किसको गोली मारो, अज्ञानता को खुद के मारोगे दूसरे के मारोगे, पहले अपने को प्रॉफिट ले ले फिर दूसरे के, तो ऐसे करके ऐसे करते हो ना प्रभु जी, हरे कृष्णा किसको मार रहे हो गोली, इसलिए बैरल को मोड़ दिया, क्या कर दिया, मोड़ दिया कि अपने अपनी तरफ, कि अपने को सुधारो, कितना सरल तरीका बताया, इतना सरल तरीका है, रावण का नाश हो जाएगा हमारे, बिल्कुल, अरे रावण का नाश हो जाएगा उसके बाद लंका तुम्हारी, बताओ विभीषण के साथ क्या हुआ, रावण के मरने के बाद क्या हुआ, बताइए आप, विभीषण की आज तक है, विभीषण चिरजीव है आज भी, क्या मैं जगह का नाम भूल जाता हूं, विष्णु की विभीषण जी आके आज आरती करते हैं, रंगनाथ जी में आज भी रात को आरती की परेड लगाई जाती है, सुबह जली हुई पाए जाते हैं सब, आज भी टुडे ऑल्सो विभीषण जी आते हैं और आरती करते हैं भगवान की, क्या समझ में आया, हाँ आज भी, जैसे आज भी कहाँ निकुंज वन में के अंदर क्या होता है, दातुन
आज भी पाए जाते हैं। दातुन जो रखे जाते हैं ना सही, वो चबे हुए पाए जाते हैं सुबह। कृष्ण भगवान और राधा रानी दातुन करते हैं, जो आजकल हम भगवान को ब्रश कराते हैं। उनको कलयुग का टेस्ट कराते हैं, वो कहते हैं करा दे करा ले। तो रोज बनाएंगे दशहरा, रोज हमें कुछ चाहिए, रोज दशहरा बनाएंगे, अज्ञानता को खत्म करेंगे। रावण तो इसका है नाम है, जब परपक हो जाता है जब अज्ञानता, तो वो रावण बन जाता है। क्या बन जाता है? जब वो परपक, अज्ञानता का परपक, जब परपकता में वो पहुंच जाता है तो वो रावण बन जाता है, अर्थात पूर्ण भोगी। हमें बनना है पूर्ण योगी और वो बन जाता है पूर्ण भोगी। रूपा जी ने किताब है जिसका नाम है परफेक्शन ऑफ योगा, और रावण इज परफेक्शन ऑफ भोगा। भोग के परफेक्शन है। समाज को हम भी बदलना चाहते हैं, हमारी भी इच्छा है स्वयं को बदलें, समाज को बदलें, और समाज के लिए इंडिविजुअल को बदलना पड़ेगा, हर व्यक्ति को बनना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप लोग ये प्रण लीजिए। उसके लिए मैं आपको हेल्प करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं भी प्रभुपाद जी के से हेल्प लेता हूं, आप भी प्रभुपाद जी से हेल्प लीजिए। मैं आपको हेल्प करूंगा इनसे जुड़ने के लिए, उनके आज्ञा को समझने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। हम प्रभुपाद संप्रदाय से, गौड़े वैष्णव संप्रदाय से, प्रभुपाद अनुगा क्या है, हम प्रभुपाद को फॉलो करने वाले। तो इसलिए जो भी यहां बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको मैं कहूंगा सुस्त राम। क्या यहां आने में उन्हें क्या करी? सुस्ती। वाणी संघ के साथ वापू संघ मिल जाता है तो बड़ा अच्छा होता है। लाइव तो ऑल्टरनेटिव जब होना चाहिए जब आप डेड हो रहे हो, आप हिल ही नहीं सकता, इसलिए मैंने लाइव सुना। ये दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, तेरा दीवारा निकलने वाला है तो चिंता क्यों कर रहा है? दीवारा ना निकले उसी के लिए तो ये क्लास चल रही है। दिवाली का अर्थ ही नहीं मालूम, वो दिवाली पे चर्चा करेंगे। दिवाली होती क्या है? दिवाली कुछ नहीं है, गोवर्धन पूजा की तैयारी है हमारे लिए। क्या है दिवाली? क्या होती है? राम जी घर आए, पहले रावण को मारा तभी तो राम जी घर आएंगे। तो आज शुरू होता है दिवाली का पहला पर्व, कि आपने अपने जीवन से रावण को मारा तभी तो राम जी आएंगे। बताइए बगैर रावण को मारे राम जी आ जाएंगे? आप राम जी को मारने नहीं देते। जैसे वो तीर निकालते हैं और खींचते हैं, आप गुदगुदी कर देते हो कि रुक जाओ मुझे कुछ और काम है उसके बाद। ये अपना ज्ञान का तीर चलाना, अपने भक्ति का तीर चलाना। ज्ञान का मतलब भक्ति, क्योंकि ज्ञान की परिकाष्ठा क्या है? भगवान ने कहा है गीता में, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद जब व्यक्ति का पूर्ण ज्ञान आ जाता है तो मेरी शरण में आता है, अर्थात मेरा भक्त बन जाता है। स महात्मा सुदुर्लभा, इस तरह का महात्मा आराम से मिलता नहीं है। प्रभु जी आप लोग पता नहीं कैसे नहीं समझते बात को, ये आपको जो ये चांस मिला है, गवाओ मत। बड़ा दुख होता है जब आप इस जीवन को सीरियसली नहीं लेते। अभी आप जीवन के साथ कॉमेडी कर रहे हो, कॉमेडी, क्योंकि सब कुछ जो आप कर रहे हो सब खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
मैं यही देखता हूं, मिस्टर कौन, क्या नाम है आपका, विजय कसेरा दिवालिया, मिस्टर चौहान दिवालिया, अंत में क्या होने वाला है प्रभु। अब सबको अपने नाम के सामने जब तक दीक्षा नहीं होती या दिवालिया लिखना चाहिए। भक्ति करी नहीं, लेके क्या जाएगा साथ, कोई ऐसा कार्य किया नहीं जो साथ जा सके, हैं जी। हेलो गुरु, गुरु सही है ना। और दीक्षा करने के बाद सीरियस नहीं हो रहे, ये तो साफ साफ लिखेंगे विजय कसेरा दिवालिया। और जो भक्ति के बाद दीक्षा के बाद भक्ति नहीं कर रहा वो लिखेगा अपना दीक्षा का नाम ब्रैकेट के अंदर दिवालिया, क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे हो, नाम ले लिया, भक्ति में सीरियस नहीं हो। तो बेटा वो तो ऊपर से दिवालिया, तो अंदर से तो ब्रैकेट में कर दिया, क्या कर दिया ब्रैकेट में। सीरियस लो, सिंसियरिटी इज द सिंसियरिटी मेन चीज है, ध्यान रखना। प्रभुपाद जी ने कहा है, शास्त्रों में भी यही कहा गया और वैष्णव आचार्य ने कहा है। सिंसियरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, गंभीरता। इसको बड़ा गंभीरता से लो, इसका सारा जो चाबी है ना वो गंभीरता है, पूरी चाबी जो है भक्ति की चाबी गंभीरता है। तो अब सब तैयार है ना ये प्रण लेने को कि अब रोज दशहरा मनाएंगे, है जी। और अपने जीवन की अज्ञानता को, रावण रूपी अज्ञानता को समाप्त करेंगे और फिर दिवाली बनाएंगे, है जी। फिर तो असली दिवाली बनेगी, राम जी आएंगे। अभी दिवाली में लोग लक्ष्मी पूजा करेंगे, मूर्खों को ये नहीं पता कि 20 तारीख को लक्ष्मी पूजा होती है, अमावस्या पे कभी लक्ष्मी पूजा नहीं होती। अमावस्या पे लक्ष्मी पूजा करने का छाया लक्ष्मी आएंगी, क्या आएंगी, छाया लक्ष्मी आएंगी और टेंशन देंगी, क्या देंगी, जिस दिन से सीता जी पहुंची हैं लंका उस दिन से रावण की गिनती उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, है ना, उसे अब टेंशन शुरू, टेंशन। सुरपनखा को भैया काट, उस बेचारी का नाक उड़ गया है, हो गया था शुरू, टेंशन शुरू हो गया उसका, क्या आ गया बंदर आएगा लंका को जलाएगा, तेरा टाइम आएगा, होना शुरू हो गया। तो इसीलिए गलती से भी अमावस्या को लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करना। 20 तारीख जो आ रही है शरद पूर्णिमा है, क्या बोल, और लक्ष्मी नारायण की पूजा पूर्णिमा में होती है अमावस्या में होती है, बताइए। परंतु हमारे बिजनेसमैन मूर्ख लोग, मैं क्या करूं, गुरु हूं तो मुझे सत्य बताना पड़ेगा, उसी दिन चुपचाप करेंगे, दीक्षा भी लिए होंगे, अरे गुरु जी कहते रहेंगे यार, मेरे पिताजी भी करते थे, मैं भी करता रहूंगा, इसी से तो मेरे पास धन आया, अरे मूर्ख तेरे कर्मों के कारण आया है। भगवान की पूजा धन के लिए नहीं करी जाती, ये दिमाग से निकाल दो, ये दिमाग से निकाल दो, भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, ये सीखो, इससे अच्छे तो हमारे मुसलमान भाई हैं जो मानते हैं कि अल्लाह की प्रार्थना तो करी जाती है जन्नत जाने के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं करी जाती। और हम वेदों का ज्ञान रखते हुए हम मूर्ख, ऐसे मूर्ख हो गए, सोचते हैं शनि देव के पास जाएंगे या किसी देवता के पास जाएंगे या कृष्ण भगवान के पास भी जाएंगे, अरे भक्त बन जाओ, भगवान के कंट्रोल में आ जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। अमेरिका वाले कितने व्रत रखते हैं बताना, बिल गेट्स ने कितने व्रत रखे हैं चौहान प्रभु, है माधव प्रभु, यार तो गड़बड़ है यार, उसने व्रत रखे बिगड़ कैसे पहुंच गया वो, है बताओ मुझे, क्या वो चाइनीज चेयरमैन का क्या नाम है जो चाइना का हेड है इस टाइम,
जी पिंग ऐसी कुछ है, वो पिंग पोंग खेलता है। कितने व्रत रखे उसने? इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में रख चुका है। इस जन्म में नहीं, इस जन्म में नहीं मिलेगा फल, अगले जन्म में मिलेगा। जो भी व्रत व्रत कर रहे हो भूल जाओ, इस जन्म में फल मिलेगा नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो, कितने हाथ पैर जोड़ लो, कितने कूद लो, कितनी पद यात्रा निकाल लो, कुछ नहीं मिलेगा, उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। और जरूरी नहीं अगला जन्म का मतलब यह अगले जन्मों में मिलेगा, ये कहो कि अगले जन्म में मिल जाएगा, नहीं, अगले जन्मों में मिलेगा। क्योंकि सबके बीज अलग टाइम पे फलीभूत होते हैं। भगवान आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जिसके लिए भगवान आते हैं उनको वो काम करने दो। हैं, डॉक्टर के पास जाके सब्जी मत मांगो कि 2 किलो लौकी दे दे भाई, बोले मेरा काम नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं क्यों आता हूं, मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। हारे का सहारा, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। अबे तू तो हर जन्म में हारा है, दिवालिया निकला है तेरा, है असली सहारा क्या है कि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाऊं, ये सहारा है, है? कि हर जन्म में मुझे देओ, मैं हारूं फिर तो सहारा बन। देखा डायलॉग बड़ा जबरदस्त है, हारे का सहारा, पहले तू हार फिर मैं तेरा सहारा बनूंगा। तो पहले दिवालिया निकालो, मुझे पैसे दे दो सारे, फिर सहारा बन जाएंगे वो जिनको बनना है, है? नहीं, डायलॉग कितना बढ़िया है, पहले हारो, हारे का सहारा है वो, है राजेश, सही बात है। पहले हारो, जैसे बिल गेट्स ने एड्स फाउंडेशन बनाई है, पहले एड्स की बीमारी हो फिर मेरे पास आना, फिर हेल्प करूंगा मैं, हैं जी। सारी जितने भी आप चैरिटी देखेंगे, जितने भी दान पुण्य हो रहे हो, पहले तू गरीब बन फिर मैं दान दूंगा तुझे, है ना। हम बोलते हैं हम तुझे ऐसा बनाएंगे तू कभी गरीब ही नहीं बनेगा, बताओ तो कौन बेटर है, बताइए आप मुझे। हम उसके पास ले जाएंगे तो आपको, उससे संबंध करा देंगे, गारंटी है। हमारे गुरु महाराज कहते थे मेरी बात मानो, गारंटी है तुम्हें कृष्ण मिलेंगे, वारंटी नहीं। मेरे को अभी तक याद है 40-45 साल पहले 50 साल पहले हम लोग गारंटी सुना करते थे वर्ड, फिर मैंने एक बार देखना शुरू किया कि ये वारंटी, सर वारंटी है, इस पर तो गारंटी नहीं है। और फिर मैंने कहा ये कब बदल गया, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं जानते हैं पहले गारंटी हुआ करती थी, है ना। ऐसे बदमाश हैं गारंटी हटक कर, हाँ अदर प्रभु कब वारंटी कर दी, मैं जब गया बोलते सर वारंटी है गारंटी नहीं है। वो भी मैंने समझा तो दी दोनों में फर्क क्या है, दोनों में टी तो लगी रहा आखिरी में, गारंटी और वारंटी। बोलते नहीं बेटा, वारंटी और गारंटी में जमीन आसमान का फर्क है। जो आप पूजा में टाइम वेस्ट करते हो उसको थोड़ा दिशा दिखाओ, उसी समय को कृष्ण के साथ लगाओ। सब करते हैं वेस्ट, क्योंकि उससे पुण्य मिलता है, और पुण्य वो होता है जो खत्म होता है। जैसे पुण्य को भोगा खत्म हो गया, परंतु भक्ति जो करोगे चाहे वो 15 मिनट के करो, वो थी है और रहेगी। बताइए ऐसी चीज करूं या जो चीज खत्म हो जाए वो करूं। आपको अगर गुलाब जामुन मिले प्रभु जी, इसको खाते ही रहो खत्म ही नहीं हो, राजेश कहेगा मजा आ गया फिर दे दो प्रभु जी एक है, जो कभी खत्म ही ना हो। ये भक्ति वो है कृष्ण भक्ति। अरे पकड़ लो, पूजा सब करते हैं अगरबत्ती, अब क्या करो कृष्ण के सामने हिलाओ, इधर उधर मत हिलाओ, अपने मंदिर को सुपरमार्केट मत बनाओ, अपने मंदिर को सुपरमार्केट, इधर भी हाथ लगा लेंगे कि अगर स्वामी जी ने काम नहीं किया तो दूसरे को पकड़ लेंगे, उसने नहीं किया तो तीसरे को पकड़ लेंगे, पता रहा कोई भी नहीं करेगा, उससे वो करा लेगा, उससे कर लेगा, ये तो कोई भी नहीं करता।
लटक जाते हो क्योंकि वो तो बैठे देख रहे हैं, अरे इसने इसको भी लगाया, अच्छा अरे इसने तो इसको भी ठोक दिया डोक। और देवी देवताओं में आपस में जबरदस्त बैर है, क्या कर रहे हैं ये। और शिवजी के साथ तो बड़ा सिंपल है, शिवजी से कुछ भी मांग लिया असुर बन गए, क्योंकि शिवजी आशीर्वाद ही देते हैं, जो मैं तुझे वरदान दे रहा हूं इसी से तेरा सर्वनाश हो, तुझे मिलेगा परंतु इसी से तेरा सर्वनाश होगा। सिर्फ नरसिंह मेहता जी ने क्या बोला, आप जो दोगे वो लूंगा, श्रेष्ठम बताओ, कृष्ण भक्ति दे दी। क्या दे दी उनको, क्या दी, हमने हम पहली बार बोलने वाले नहीं है प्रभु जी कृष्ण भक्ति करो। नरसिंह मेहता जैसे जो शिवजी ने साक्षात दर्शन दे दिए, आज किसको दिए हैं, आजकल बेवकूफ बनाते हैं कि मुझे शिवजी ने दर्शन दे दिए, अबे अगर दर्शन दिए होते तो कृष्ण भक्ति मिल गई होती तुझे, क्या मिल गई होती, क्योंकि हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। नरसिंह मेहता जी को जब दर्शन दिए तो क्या बने, कृष्ण भक्त। कैसे बने, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप जो श्रेष्ठ कर समझो वो दे दो, नहीं नहीं मुझे शिव जी के दर्शन हुए, तो तू रावण है क्योंकि तू कृष्ण भक्त नहीं बना। शिव जी को दर्शन तो शिव जी को तो रावण ने भी दिए, तो रावण ने अपने लिए मांगा था, क्या मांगा था, अपने लिए मैं बन जाऊं ऐसा। और फिर नरसिंह मेहता जी ने क्या कहा था, दोनों को दर्शन हुए, एक असुर बना एक भक्त बना, देखिए समझ में आ रहा है। परंतु मुझे विष्णु भक्तों बताओ कितने राक्षस हैं, हैं उधर बहु जरा ना मुझे नेम करना, और शिव जी के बता दूंगा मैं कितने हैं। और जब शिव जी उनको आशीर्वाद देते हैं, और ज्यादातर नहीं सबों का विनाश उनके वरदान जो दिया था वही कारण बना उनके सर्वनाश का। तो भाई शिव जी भी यही कह रहे हैं, मैं भी उनका भक्त था जबरदस्त, मैं भी उनसे कुछ नहीं मांगता था, मैं तो ये बोलता था मुझे समझाओ ये सब चक्कर क्या है, जन्म लेना फिर वही करूंगा, फिर पढ़ूंगा लिखूंगा, परिवार काम धंधा जो भी करूंगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा मर जाऊंगा एक दिन, फिर मेरे बूथ के ऊपर कबूतर बैठेंगे। और मजे की बताऊं क्या है, वो कबूतर बन के अपनी बूथ पे कर रहा है सुबह सुबह पॉटी। सुना कभी आपने ऐसा आज तक है भाई साहब, ये आप हैं, ये कौन हो, क्या कर रहे हो उसके ऊपर बैठ के है सुसु कर रहे हो, शर्म नहीं आती अपने ऊपर ही, हम बताइए आप किस चक्कर में हो, निकलो इस चक्कर से, ये दशहरे पे यही प्रण लेना है, इस अज्ञानता से दूर होना है और राम जी को अपने जीवन में लाना है, अर्थात राम जी के आदेश को अपने जीवन में लाना है। हनुमान जी राम जी को कैसे लाए अपने जीवन में, राम काज करबे को फॉर्मूला है वहीं, रोज पढ़ते हैं। मेरे मौसा जी थे, उन्होंने किसी ने बता दिया एक टांग पे खड़े होके 108 बार किया करो हनुमान चालीसा, अमेरिका चले जाओगे। तो मेरे को जन्मपत्री देखने का उस टाइम शौक था, मैंने जन्मपत्री देखी, मैंने आप ये करोगे नहीं तब भी अमेरिका पहुंच जाओगे, क्योंकि आप कर्मों में हैं, हनुमान जी थोड़ी भेज देंगे आपको बाहर है, अगर हनुमान जी भेजेंगे आपको तो राम के चरणों में भेजेंगे। हनुमान जी बताओ तुम्हें कुछ देंगे, हनुमान जी मेरी शादी करा दो, अरे मैं खुद ब्रह्मचारी मैं तेरी शादी कैसे करा दो। फिर माता जाती है शिव जी के पास शादी करा दो, तो शिव जी कहते हैं मेरे जैसा पति ले ले, नहीं नहीं आप जैसा नहीं चाहिए, चाहिए तो नारायण जैसा। अरे यार थोड़ा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, थोड़ी ज्यादा नहीं थोड़ी बुद्धि लगाओ, शिव जी के पास जाते हो नारायण जी जैसा प्रति मानते हैं, बताइए ये धनधान्य से पूरा। शिव जी यार मैं नंगा घूमता हूँ साफ सूफ लपेटता हूँ ऐसे पति दे दूंगा तुझे भी, नहीं 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 ऐसा नहीं जी, फिर मेरे पास क्यों आई, गलत जगह लगा रही है तो टोकन, ये है ही नहीं वो जगह। थोड़ा देखिए बुद्धि दी है भगवान ने, यही तो देखने के लिए दी है बुद्धि, समझने के लिए दी है बुद्धि, क्या मांग रहे हो, वो चीज जो खत्म हो जाएगी वो मांग रहे हो, हद हो गई। अरे वो मांगो जो कभी खत्म नहीं होगा, जो था है और रहेगा, और वही कृष्ण भक्ति है राम भक्ति है, और वो भक्ति सिंपल चीज है आज्ञा का पालन बस खत्म। और वो भी भगवान कहते हैं मेरे भक्तों की थ्रू आओ, इसलिए
यहां विश्राम लेंगे और किसी का कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न लेंगे, कोशिश करेंगे उत्तर देने की। भगवान श्री राधा कृष्ण श्री गौड़ताय और गुरुदेव श्री प्रभुपाद की कृपा से। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है? अरे सब ज्ञानी हो गया तो है सर्वज्ञ, तूने बड़ी ट्रेनिंग दे दी इनको भाई। हाँ जी बोलिए, पीछे पीछे रुक जा। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न, मैंने आपका वीडियो सुना और भी सत्संग सुने, तो आपने बताया कि जीव है ये परमात्मा का अंश है और ये जीव का और भगवान के लोक में अपने घर पे ताड़ा लगा के चाबी लगा के यहाँ। हमने दूसरे सत्संग में ये सुना कि वहां तो वास कभी नहीं हुआ। नहीं नहीं, वास नहीं हुआ, बैठ जाइए प्लीज, परंतु हमारा घर है वहां, ये तो भगवान देख रहे हैं, ये वापस ये घर नहीं आ रहा, घर हमारा घर है वहां बना हुआ, जैसे कि मेरे पिताजी ने घर बनाया था दिल्ली में, परंतु कभी नहीं रहे उसमें, सिर्फ कौन रहे, टेनेंट पूरा जीवन, परंतु वहां टेनेंट भी नहीं है, वो घर में कोई होता नहीं। भगवान मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, अरे ये भी खाली है, अभी भी खाली है, ये आया ही नहीं, पारिक का घूम रहा है मोटरसाइकिल पे, ये वापस क्यों नहीं आता है? राजेश स्कूटर के पीछे लिखता हरे कृष्णा, ये स्कूटर के द्वारा मेरे पास क्यों नहीं आता वापस? तो देखते हैं भगवान। तो प्रभुपाद जी जब भी तो कहते हैं प्रभु जी, प्रभुपाद कहते हैं बैक होम बैक टू गॉड, घर हमारा वही है, घर से निकल गए बाहर। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, आपने मैटरनिटी वार्ड में पैदा हुए किसी हॉस्पिटल में, ठीक है जी, पैदा होने के बाद आपको समझ लो कि शक्ति मिल गई चलने वलने की, आप सब छोड़ छोड़ के निकल गए, अब पिताजी ढूंढ रहे बेटा चला खा गया, परंतु पिताजी कुछ कर नहीं सकते कि वो बोलते हैं बेटे को मैंने स्वतंत्रता दे दी, मैंने कहा था जब वो गर्भ में था कि तू जो भी कहेगा तू जो चाहेगा वो कर, मैं तेरे बीच में नहीं आऊंगा, तू चाहेगा तो वापस घर आ, नहीं चाहेगा तो बाहर घूम। यही हमारे साथ हुआ, हम तटस्था शक्ति हैं, हम थे, हम फिर आ गए भौतिक, हमको चांस दिया गया कि आध्यात्म उधर वैकुंठ जाना है या कुंठा जाना है, तो ज्यादातर सब गिर, सब बहुत जो आए तो इस कुंठा में आए, गिरते ब्रह्म लोग आते हैं, देखो अब तेरे की कहाँ फंस गए, 99.9% तो वापस चले गए, हम जैसे 0.1% बदमाश कहेंगे नहीं नहीं और देखेंगे, देख ले फिर विजय कसेरा, कभी कुछ बनते हैं तो कभी कुछ बनते हैं, ऐसी मैं कभी विवेक कौशिक होता हूँ तो कभी मिस्टर सिंह होता हूँ तो कभी पप्पी बोलते हैं लोग, कुत्ता भी बन जाता हूँ, इसी योनियों में घूमता रहता हूँ, इसी चक्कर में पड़ा रहता हूँ। भगवान आते हैं इसी, धर्म का एक ही काम है, धर्म का काम है आपको इस जगत से निकाल के भगवत धाम ले जाना, धर्म का और कोई काम नहीं है। क्योंकि ये कैसे समझते हो इस बात को, गीता के अंत में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्या, ये क्या बोल रहे हो भगवान, धर्म को ही त्याग दूं, और आपने कहा था कि धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। अगले लाइन में कहते हैं बेटा सुन, माम एकम शरणम रजा, मेरी शरण में आ जा, सारे धर्मों को छोड़ दे, अर्थात जितने धर्म है इनको छोड़, मेरी शरण ले, मेरी माम एकम शरणम रजा, केवल सिर्फ एकम शरणम रजा, मेरी शरण में आ जा। ये है जो धर्म स्थापना करने आते हैं भगवान। जब भागवतम के अंदर कहा गया है स वही पुमसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे, स वही पुमसाम, सबसे श्रेष्ठ धर्म जो है वो है स वही पुमसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षजे भगवान कृष्ण का एक और नाम है, भागवतम ने क्लियर कर दिया और भगवान ने उस बात को सर्वधर्मान कह क्लियर कर दिया, इसलिए हमारा घर है वहां प्रभु जी। आपको वापस एंटर, ये नहीं है कि जाके भाई एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी कि घर कहाँ मिल रहा है, वहां घर ऑलरेडी है, वहां का घर ऑलरेडी है। यहां तो प्रभु जी घर बना, आप देख नहीं, आश्रम बनाने के लिए हम जगह ढूंढ रहे, परंतु वो आश्रम ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, जब उनसे किसी ने पूछा, जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे, कुछ नहीं था उनके पास, उनके जेब में ढेला नहीं था, तो ट्रेन का जो मेट्रो का कंडक्टर बैठा हुआ था साथ में,
मुझे कहते हैं 108 मंदिर मेरे बने हुए हैं, हजारों मेरे शिष्य हैं। बोलता है पागल हो गया बुड्ढा, बोलते सिर्फ लुप्त हैं अभी, क्या है लुप्त हैं, उजागर हो जाएंगे, ये लुप्त हैं। भगवान की सेवा जो हम सोचते हैं, जो सोच लिया वो होता है, सिर्फ वो लुप्त में है अगर उसमें अपना कोई भोग का भाव नहीं है। भोग का भाव नहीं होना चाहिए, योग का भाव। तो इसलिए प्रभु जी योर प्लेस इज रेडी, आपकी जगह रेडी है, सिर्फ हमें वहाँ पहुँचना है। प्रभुपाद ने बस चला रखी है, जिसका नाम है प्रभुपाद पैलेस। क्या बस का नाम? पैलेस। जब मैं पहली बार इस्कॉन में आया था तो मुझे एक बस दी गई थी कि तुम जाके बस में जाओ, मंडे से फ्राइडे तक इस बस में रहोगे, उसी में तुम प्रचार करोगे दिन रात। तो उस बस का नाम था प्रभुपाद पैलेस। क्या नाम था? और पहली डेटी मैंने वर्शिप भी जो करी है वो गौर निताई जी की थी, जो भी गौर निताई जी ने कृपा करके आ गए। लकड़ी की डेटीज थी, हम सुबह मंगल आरती उसमें करते थे, और फिर उनका स्नान जो है उसको बेसिकली पुष्पों में हम उनका आह्वान करते थे, क्योंकि लकड़ी तो खराब हो जाएगी अगर उनका स्नान करा, पुष्प का स्नान करते थे। तो दिन में प्रचार करते थे पूरा दिन। तो प्रभुपाद पैलेस, तो उसको अंदर सबको आमंत्रित है। बस छोटी नहीं है, जैसे आप आते हो तो सीट आपकी बन जाती है खट, पता ही है टेक्नोलॉजी ऐसी है। क्या है? अब बोलो सीट नहीं है, है कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, अंदर घुसते ही बस के अंदर सीट तैयार। क्या ऐसी बस देखी आज तक? करोड़ों लोग घुस जाए अंदर बस, उस बस में रेगुलर सर्विस। क्या रेगुलर सर्विस का मतलब? हर क्षण बस चल रही है, हर क्षण एक बस छूटती है और आपके लिए अलग होती है। चार्टर, क्या चार्टर फ्लाइट सुनी है ना, इंडिविजुअल फटाक बैठ के जाके आहा। जब तुकाराम जी का टाइम आया था जाने का, तो वैकुंठ से क्या आया था? विमान आया था। तो बड़ा अच्छा है दृष्टांत है ये। तो तुकाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा कि चल वैकुंठ, विमान आ गया। पत्नी कहा मैं थोड़ा बहुत काम पड़ा है अभी, मैं तू रह काम कर, चले गए। ऐसी हम लोग करते हैं, भगवान कहते हैं हाँ सेवा कर, गुरु कहता है क्या सेवा कर, गुरु जी आज थोड़ा छोड़ दीजिए, छूट जा मैं चला। गाड़ी रुकती थोड़ी है, गाड़ी तो चलती रहती। जय मैं सबसे कहता हूँ उतरना मत किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, किसी के लिए इस बस से, किसी के लिए भी ध्यान रखिएगा जीवन। हाँ जी आप कौन पूछ रहे? पारिक प्रभु बोलो। आपने कहा कि अभी अभी से पहले से प्रश्न है कि आपने कहा जैसे भगवान के लिए सेवा करते हैं, तो इफ वी ड्रीम टू सर्विस अंतिम लॉटरी ऑफ द लॉर्ड, इफ वी डोंट हैव एनी आवर सेल्फ डिजायर, देन दिस थिंग बिकम फिजिबल और कम्स इनटू द एक्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली बिकॉज़ इट इज देयर, ओनली दैट टाइम इज टाइम फैक्टर इज देयर ओनली। सो टाइम फैक्टर भी नहीं है, वो हो गया। हाँ अध्यात्म में सोचने और करने में कोई फर्क नहीं है, क्यों? इट इज एब्सोल्यूट। अंडरस्टैंड अदर प्रभु, मेटीरियल वर्ल्ड रिलेटिव है, सोचने और करने में फर्क है, परंतु अध्यात्म के अंदर सोचा तो खो गया। मैं सिंपल बड़ा ये ध्यान रखिएगा, जब भी हर टाइम भगवान के बारे प्लान करते रहिए, सोचते रहिए ये करेंगे भगवान के लिए, ये करेंगे, सब हो रहा है। आप अभी देख नहीं पा रहे उसको, क्योंकि आपकी दृष्टि जो है वो कैटरेक्ट हुआ हुआ है। क्या हुआ है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जब पूरा हो जाता है तो प्रभु जी दिखता है कुछ? नहीं दिखता। ये मोतियाबिंद हटाता है, वो गुरु की जो एडवाइस है वो मोतियाबिंद को हटा देती है, तो आपको स्पष्ट नजर आता है अरे ये तो मैं सोच रहा है सब हो गया। क्योंकि आप जो चीज बना रहे हो कर रहे हो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, वो तो कृष्ण को खुश करने के लिए है। जहां लोगों को दिखाने की बात आ जाएगी वहीं वो भंग हो गया आपका, फिर वो क्या हो गया? रिलेटिव को क्या कहते हैं हिंदी में? सापेक्ष हो गया वो निरपेक्ष नहीं रहा। निरपेक्ष ही कहते हैं, क्या कहते हैं? निरपेक्ष कहते हैं ना, निरपेक्ष नहीं रहा। तो इसलिए ये सब अध्यात्म में
मैं तो खूब किया है, मैं तो खूब करता रहता हूँ अभी भी। मैं तो बिल्कुल पूरा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं तो दिन रात कैसे लगाऊँ अपने, मैं तो ये सोचता हूँ कि कैसे ये हो गया, मैं जानता हूँ हुआ हो गया। लोगों के लिए कब भगवान चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, मैनिफेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकट हो जाए, कि भगवान उनके लिए प्रकट हो जाए, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है ना। वो भगवान चाहेंगे आपके लिए प्रकट हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। मेरा तो काम हो गया, मैं तो सोच लिया, मैं तो प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया। मैं इच्छा करता था कि थोड़ा बड़ा जगह होना चाहिए, जहाँ 250-300 लोग बैठे, हो ही प्रकट, हो ही नहीं प्रकट। अब यहाँ जो हमारा है इसमें 250-300 लोग, इसे डबल ही है मेरे ख्याल से, है ना, तो आ गए 250-300 लोग, है जवान प्रभु, और आ जाएंगे ना उसमें आराम से, 300 से भी ज़्यादा आ जाएंगे, बोलते लोग हो गया प्रकट, हो जाएगा। ऐसी मैं आश्रम के बारे में सोच रहा हूँ। अब ये मैं तो सबको बोलता हूँ, ये तो आपका चांस है भगवान को सेवा करने के लिए, कर पाओ नहीं कर पाओ नहीं कर पाओ, ये तो आपके हाथ में है कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ये तो आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। मेरा काम है आपको सेवा में लगाना, मैं शिक्षा गुरु के रूप में मेरा काम है आपको सेवा में लगाना, तो मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं सेवा में लगा रहा हूँ, आप लगना चाहते हो लगे, नहीं लगना चाहते हो मतलब वही आपकी आपकी स्वीट विल है। नहीं मैं तो टीचर हूँ, मैं क्या करूँगा, अरे आज आज हम कर ही रहे हैं टीचर और प्रिंसिपल्स को प्रचार, उनके लिए मैं सेमिनार करने जा रहा हूँ। अभी तो मेरी तबीयत एकदम, 17 तारीख को पहला सेमिनार था, मुझे करना था परंतु मेरे को बैक प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप एक्चुअली यहाँ आ रहा हूँ ये भी गलत है, उसने कहा लेटे रहो, तो मैंने कहा मैं लेटा ही तो हूँ, तो ऐसे देख के लेटा हूँ ना, वो अपने सोच पे मैं आ गया, मैं कर रहा हूँ। तो बेसिक फैक्ट ये है कि ये आपको चांस है, ये आपको चांस है। मैं बड़ा, क्योंकि आपको तरीका बताऊँ ना, कुछ भी करना है उसको रोज करो, दान को महीने में मत दो, रोज एक दान पेटी रखो, उसमें रोज डालो दान, समझ गए। आप रोज हवा लेते हो कि कभी कभी लेते हो, हवा धरती का रोज इस्तेमाल करते हो कभी कभी करते हो, तो प्रभु जी रोज टैक्स देना चाहिए ना, चाहे कुछ भी डालो, ऐसा करना सीखो, क्या ऐसा करना सीखो, रखो अपने सेवा में लगा दो। लोग कहीं और पूछते किसकी कहाँ देगा, मैं बैठा हूँ ना सेवा लगा, प्रभुपाद यही कहते थे मुझसे। ऐसी मैं लोधी गार्डन के अंदर दिल्ली में प्रचार कर रहा था, तो मैं हर संडे जाता था वहाँ, पेड़ के नीचे करता था प्रभु जी, 200-300 लोग इकट्ठे हो जाते थे। उसी में एक व्यक्ति आए थे जो बेसिकली रिलायंस के HR हेड थे, ऐसे म्यूनसिपल के कमिश्नर थे, वो सब आते थे। लोधी गार्डन ऐसी जगह है जहाँ की मिनिस्टर सब वहीं, मैं आपके इससे मिला था, क्या था वो जिसकी डेथ हो गई, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, वहीं उनसे मुलाकात हुई थी, आते थे वो भी, सब लोग उस लोधी गार्डन के अंदर वॉक के लिए आते, मिले सबको प्रचार किया, तो उनको बेसिकली उनको बताया, तो उन्होंने कहा, तो द बेसिक फैक्ट इज दिस कि आपको बेसिकली रेगुलर बेसिस पे, कि मुझे औदर प्रभु से भी चर्चा हो रही थी, तो मैं डिवाइन डिवोटी से चर्चा लेता रहता हूँ, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली डेली करना चाहिए, तो मैंने कहा हाँ ये तो जैसे हम माला डेली करते हैं तो कुछ डालो उसमें, तो कुछ भी समझ के डालो, क्योंकि लक्ष्मी तो चाहिए नारायण की सेवा के लिए, चाहिए नहीं चाहिए बताइए प्रभु जी, सेवा कौन कर रही है नारायण की, लक्ष्मी जी कर रही है। लक्ष्मी का हम मतलब लेते हैं लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, आहार, ये भी तो लक्ष्मी है एक, कैसे करते हैं, तो ये एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। दिया था कई बात है, अरे हम क्या कर सकते हैं, मैंने सारे ज्वेलरी पहनते हो दे दो, 2-3 तोला भगवान की सेवा में, नहीं दे सकती बताइए अनंत प्रभु। लोग कहेंगे पैसे के पीछे हैं, नहीं पैसे के पीछे, हम आपके पीछे हैं कि आपकी शक्ति को भगवान की सेवा में लगा सकें, हमें क्या करना, पैसे का मैं क्या करूँगा प्रभु जी, मैं तो पत्नी कहती है लड्डू गोपाल भी हमारे गोप श्रेष्ठ है, वो भी हमारे साथ चले जाएंगे, तो किसके लिए छोड़ूं, बच्चे डिसाइपल हैं जो फुल टाइम है, उनके बारे में जरूर सोचता हूँ कि
वो जिन्होंने पूरा जीवन दिया उनके लिए कुछ बन जाए, जिसके कारण कि वो भक्ति का प्रचार जो है करते रहे। एक चीज़ जो है, जो एक जगह जहाँ सत्यता से प्रचार हो, उसमें कोई ढोंगबाजी नहीं, कुछ नहीं किया, मैं तेरी मेरा तेरा हलवा हवन कर दूंगा महालक्ष्मी जी का, पता लगा लक्ष्मी तो उसको मिल गई, वो बेचारा महा रह गया सिर्फ, है महालक्ष्मी। तो लक्ष्मी किसके पास, जैसे पूजा कराई, आपके पास क्या महा, क्या महा मूर्ख, महामूर्ख बना दिया उसको, है ब्रो लक्ष्मी खुद ले गया। अरे जब पहले हवन होता था उसी टाइम रिजल्ट मिलता था। रामचंद्र जी का जब हवन हुआ था, उनके उनके दशरथ जी ने जब अपने बच्चे के लिए हवन किया था, तो उसी टाइम खीर मिली थी क्या, उसी टाइम वो फल मिला था। और जहां पंडित जी क्या कहते हैं, आप महालक्ष्मी यज्ञ कराओ, 5 लाख लगाओ, अब वे वापिस कब आएगा, आता आएगा, चिंता मत करो, मेरे पास तो आ गया ना तुम्हारे पास आए ना आए, मैंने हवन तो अपने लिए किया था यार, तुझे क्या पता, सही बात है कि नहीं सही बात है। मेरा एक दोस्त था, मैं इस्कॉन में था दिल्ली, तो आया मेरे पास मिलने के लिए, तो बात बात करी, तो बोलेगा अरे मेरे साथ हुआ, तो मित्र था, तो मित्र तो जो नाम हम कॉलेज में लेते हैं वही, अरे कौशिक एक ब्राह्मण रोज आया करता था, फिर मेरा एक दोस्त आया, 3 महीने से आ रहा था वो मेरे पास, रोज हवन करता था आगे, तो आया मेरे पास, तो दोस्त ने इसको देख लिया, इस पंडित को, तो मुझसे पूछने लगा अरे ये किसको ले आया तू, ये पैसे तेरे लेता है, हवन खुद के लिए करता है, अब आपको क्या पता प्रभु जी, हैं महालक्ष्मी यज्ञ करूँगा, हैं किसके लिए किया, खुद के लिए, आपको ठहंगा जब भी इस कलयुग में खुद यज्ञ करो। कौन सा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, किसी की जरूरत नहीं है, आपको अपनी शुद्धता से इसको सिर्फ ध्यान पूर्वक सुनो, यज्ञ हो गया, ये यज्ञ कुंड है, क्या है ये, और आहुति नाम की आहुति इसी में डालो, इधर उधर नहीं, आप जब ध्यान से सुनते नहीं तो क्या करते हो, जैसे कई बार जब हवन में डाल रहे होते हो और इधर उधर डालते हो तो पंडित जी क्या कहते हैं, अंदर डाल, पता लगा उसी में डाल रहे, कहता यार तो मैं कोई हवन कुंड हूं, तो इसी तरीके से हवन कुंड ये है, क्या है ये हवन कुंड है, और आपकी जो आवाज है वो एक्चुअली वो है क्या कहते हैं उसको, नाम, हाँ संविदा जो है वो बेसिकली वो ये, और जो नाम है वो मंत्र है, क्या है वो, ये कुंड है कलयुग के लिए चलता फिरता कुंड, बताओ कर सकते हो 24 घंटे कुंड के अंदर हवा हवन करते रहो, परंतु देखिए ये क्या कलयुग के लिए क्या कुंड दिया है प्रभु जी, दो दो कुंड नॉट सिंगल, आप जो करते हो हवन एक कुंड में करते हो, दो में, दो में करता हूं मैं तो, बताओ ज्यादा स्मार्ट हुआ कि नहीं, आप भी जो करते हो ज्यादा स्मार्ट हो, बोलते बेटा पंडित जी दो कुंड से करता हूं मैं, क्या है, इसलिए हाँ बोलिए प्रभु जी। यूट्यूब का क्वेश्चन है, ठीक है, यूट्यूब अवर्ष गौतम पूछते हैं कि अधिकतम लोग वैष्णवों को नेगेटिव कैरेक्टर बनाने में लगे हुए हैं और उन्हें घर का भेदी कहते हैं, हाउ टू डील विद सच पीपल, व्हाई डील विद सच पीपल, डोंट डील विद सच पीपल, व्हाई डील है, बताइए प्रभु जी, पता है कि आदमी बदमाश है, अब उसे डीलिंग करोगे, डील ही मत करो, व्हाई डील, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी समझना चाहते हैं, आप लोग थे, मैं भी था उनमें, मैं भी बोलता था ये डायलॉग बगैर समझे बोला करता था, घर का भेदी लंका ढाए, अभी तो लंका तो ढहनी चाहिए बताओ आप मुझे, घर का भेदी अयोध्या ढाए तब हो गई ये बात, और सारे के सारे जो लोग हैं परिवार के अंदर वो क्या है, घर का भेदी अयोध्या ढाए, रामराज खत्म, आपने रामराज को खत्म कर दिया, हम ही ने रामराज को खत्म कर दिया, और लंका ढहनी चाहिए नहीं लहनी चाहिए, बताइए प्रभु जी, आप डायलॉग बोलते हैं बगैर सोचे, घर का भेदी लंका ढाए, अच्छा है ना डल गई, लंका बचनी चाहिए, बताइए आप मुझे, आप ही बताइए, जहां गलत कार्य होता हो या गलत कार्य का जहां सेंटर हो वो रहना चाहिए, ढहना चाहिए, अरे कमाल हो गया,
उसे मतलब क्या बोल रहे हैं लोग, ऐसे आपने अगर छोड़ दिया और अपने भक्ति करने लगे, अरे घर का भी और बता रहे हैं कि गड़बड़ क्या है अंदर, मेरा बाप ब्लैक मनी कहाँ रखता है, अब रेड करा दो 10% मिल जाएंगे आश्रम के लिए, तो आप क्या कहोगे, घर का भेदी लंका ढाए, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका घर तो लंका था और आप उसके मास्टर रावण, तो डहना चाहिए नहीं डहना चाहिए बता, है प्रभु जी डहना चाहिए, तो उसको समझाओ ऐसे, बोल बैठ बेटा अभी समझाता हूँ तुझे, 5 मिनट सुन पूरा डायलॉग क्या है, लंका राक्षसों का गढ़ था, समझ में आया, अब बता तू आगे चले। अगला प्रश्न है, भक्त लोग गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में कैसे आ सकते हैं? पॉलिटिक्स में नहीं आना कभी, आपको पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहिए, स्टेट्समैन बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, स्टेट्समैन, दोनों में फर्क है, पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन में फर्क है, स्टेट्समैन जो है वो बेसिकली जनता की भलाई के लिए सोचता है और पॉलिटिशियन अपनी भलाई सोचता है, जनता की भलाई करूंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, ये पॉलिटिशियन, और भला हो सही या गलत, जैसे कि फ्री चीजें देनी जनता को, नौकरी दो जनता को, क्या दो, फ्री नहीं चीजें, नौकरी दो, परंतु यहाँ क्या है प्रभु जी, और जनता भी ऐसी मूर्ख फ्री चीज लेके बैठ जाती है प्रभु जी, एक टीवी लेके वोट दे देती है, 5 साल जूते पड़ते हैं फिर टीवी में क्या पड़ते हैं, बर्बाद हो जाते हैं ये, परंतु ये डेमोक्रेसी में होगा, जब भी हमारे गुरु महाराज कहते थे डेमोक्रेसी को डीमन क्रेजी, कि पागलों का राज होता है इसमें, क्योंकि मूर्ख लोग ज्यादा होते हैं और अकलमंद कम होते हैं और मूर्ख उनको इलेक्ट करते हैं, तो मूर्ख वाली बात मैं तो सुनता हूँ ना कई बार, कई लोग बताते हैं कि ये बोला उस पॉलिटिशियन ने, मैंने कहा इसको वोट मिल गया, उसको बोलते हैं हाँ यही तो चीज़ पे वोट मिलते हैं, इसी चीज़ पे वोट मिलते हैं। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो मुलायम सिंह मतलब खास है दोनों, उनका लड़का अखिलेश को अच्छी तरह जानता है, तो बोलता जब अखिलेश CM बना मैंने उसको फ़ोन किया, मैं उस टाइम अमेरिका में था, मैं गया हुआ था न्यूयॉर्क, तो उसने कहा, मैंने कहा उससे अंग्रेजी में, उसने बोला आई टोल्ड अखिलेश टू एटलीस्ट सेट अप अ स्टैंडर्ड, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यू टोल्ड द सबसे गलत चीज़ तूने बताई अखिलेश को, मैंने वो कर ही नहीं सकता क्योंकि जनता मूर्ख है, मूर्ख मूर्ख की चीज़ों से खुश होते हैं, बस सही बात है, गलत बताइए आप मुझे, आपका आपका वोट वोट के अंदर आपका काउंट होता है, 90% लोग जिन जो कि दो वक्ति रोटी नहीं खा सकते या चोरी चकारी करते हैं वही तो टॉप पे आ रहे हैं, वही तो वोट करते हैं, आप कहाँ से अच्छे व्यक्ति को ले आओगे ऊपर, तो इसलिए गवर्नमेंट सर्विस में भी आ सकता है, परंतु कृष्ण भावना भावित पहले है, पॉलिटिक्स में मत बने, पॉलिटिशियन ना बने, राजनीति करें, राजनीति पॉलिटिक्स नहीं होती, राजनीति मतलब राज करने की नीति होती है, वो पॉलिटिक्स नहीं होती, पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज़ हमारी संस्कृत में वर्ड ही नहीं है, हमारे वर्ड ही नहीं है प्रभु जी, हमारा तो राजनीति है, और राजनीति का मतलब होता है राज करने की नीति, कैसे आप अच्छी तरह राज करोगे, है ना प्रभु जी, कितनी क्लियर है एकदम, राज करने की नीति के मूर्ख बनाने की नीति, ऐसी वकील नहीं है हमारे शास्त्रों में, कोई वकील का वर्ड नहीं है प्रभु जी, मैं अपनी वाइफ को भी कह रहा था, अपनी धर्मपत्नी को, मैंने वकील का मतलब चोरी करेगा, चोरी का मतलब झूठ को सच और सच को झूठ बनाएगा, उसे काम ही है, वो है ही इसलिए, आपके भी लाइन के अंदर CA चोर आदमी का काम क्या है, कैसे चोरी करे, है ना प्रभु जी, जो सबसे अच्छी चोरी करा ले टॉप CA, और जो नहीं कर पाए बेचारा नीचे रह गया, तो बेसिकली ये प्रोफेशन हमारे वेदों में है ही नहीं, हमारे शास्त्रों में ये प्रोफेशन नहीं है, डॉक्टरी प्रोफेशन है हमारे यहां, परंतु प्रभु जी डॉक्टरी और हम में कोई फर्क नहीं है, वो ब्राह्मणिकल माना गया है, उसमें वो चार्ज नहीं कर सकता, उसको जो डोनेशन मिले उस पर उसको करना पड़ेगा, परंतु आज जब वो खुद ही पता लगा मजे की बात, उसको डोनेशन कहते हैं लोग, है प्रभु जी, अबे तू ब्राह्मण है क्या जो मेडिकल कॉलेज चला रहा है और बोल रहा है 5 लाख दे, 10 लाख ले, 50 लाख दे, इसको डोनेशन कैसे कह सकते हो प्रभु जी, डोनेशन तो जबरदस्ती नहीं होता ना प्रभु जी, डोनेशन तो आपकी इच्छा से होता है, ऐसे बदमाश लोग हैं मैं क्या बोलूं, तो फिर वो जब 1 करोड़ रुपया देता है और डॉक्टर बनता है तो 1 करोड़ रुपये निकालेगा, तो जब हमारे पारिक जी जाएंगे तो चूसेगा उसको, घुटने में दर्द है हृदय का ऑपरेशन करेगा,
तो बताओ। तो इसलिए जाना है इसमें, परंतु इससे बचना जब ही पॉसिबल है जब आप ने बहुत स्ट्रांग भक्त हो जाओ। जब तक आप स्ट्रांग भक्त नहीं होते तब तक आप माया के साथ कबड्डी मत खेलो, हारोगे, बुरी तरह हारोगे। पहले इतना स्ट्रांग बनो कि आप कृष्ण भक्ति में इतने तेज हो, इतना स्ट्रांग हो जाओ, तब आप जाके ये प्रोफेशन जो है, जो डेंजरस प्रोफेशन है ये, इनमें आप कदम रखो। आगे चलिए, रोशन कुमार जी का कमेंट है, गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया आपने आज, और आपने जो जो कुछ भी कहा है उसको मैं अपने जीवन में उतारने का पूर्ण प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक चौधरी का प्रश्न है, गुरु जी बार बार निवेदन करने पर भी यदि कोई 13 घंटे का कोर्स नहीं सुनता तो क्या हमारे निवेदन में कमी रहती है, या किस तरह से निवेदन करें कि वो सुन सके? नहीं, ज्यादा पीछे पड़ोगे तो चिढ़ जाएगा, छोड़ दो, छोड़ दो। चिढ़ जाते हैं लोग, तो इसलिए निवेदन में कोई कमी नहीं है। आपकी एफर्ट पूरी है, परंतु आप रिजल्ट के साथ क्यों अटैच हो रहे हो? आपने एफर्ट करना है, वो सुने या ना सुने वो उसकी स्वतंत्रता है। अब आप किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे तो क्या होगा? तो इसलिए हमारा निवेदन ये है कि 2-4 बार बोलिए, समझाइए, ये तो फिर छोड़ दीजिए, फिर कभी 2-3-4 महीने में फिर एक बार बोलिए, सुनने का चांस मिला नहीं भाई, ट्राई कर लीजिए प्रभु, बस खत्म। ज़्यादा ऐसे पीछे पड़ोगे तो आपको व्यक्ति देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो। व्यक्ति अगर आपसे उम्र में बड़ा है, औहदे में बड़ा है, तो आपको उसके साथ आप जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो। आप तो उनको सिर्फ एडवाइस रूप में लो, तो इसी तरीके से बस खत्म, बोल दिया। अपने जीवन में एक आदर्श पैदा करो कि जिससे कि वो व्यक्ति बदले। मैंने ज़्यादातर देखा है कि हमारे डिवोटी कई बार बड़े ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, ज़्यादा उत्साह के कारण वो ऐसे ऐसी कार्य कर जाते हैं जिसके कारण कि दूसरे लोग उनसे दूर हो जाते हैं। जो जैसे कि कई बार पत्नी को छोड़ दिया, समाज में क्या होगा प्रभु जी, क्या बोलेंगे लोग, और भाई यार इनके पास मत जाओ। तो हमारा तो है ही नहीं, घर तोड़ना तो हमारा, हम चाहते ही नहीं घर टूटे, हम तो चाहते हैं पूरा परिवार इस चीज़ को ग्रहण करे, होना चाहिए ना प्रभु जी, पूरा परिवार इसको साथ लेके चले। जब हम जाते बोलते हैं कि अपनी पूरे परिवार को लेके आओ, बच्चों को भी लेके आओ, उनको पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। नहीं जी बच्चे तो आना नहीं चाहते, और ये क्यों क्यों नहीं आना चाहते? जैसे मैं दिल्ली में भी कुछ परिवार थे, उनको बताया, उन्होंने कहा पिक्चर जाना चाहते हैं मेरी पत्नी और बच्चे। मैं ठीक है, उनको बोलो कि 1 संडे पिक्चर जाएंगे, 3 संडे मंदिर जाएंगे। 6 महीने में चेंज हो गए सब। नहीं कहा नहीं, अब पिक्चर नहीं जाते, मंदिर ही जाते हैं, क्या करते? हाँ तो ऐसे तुम्हें कई बार हाथ फैलाना पड़ेगा, नीचे डालना पड़ेगा उनको निकालने के लिए। एकदम ओवर बन जाओ स्ट्रांग एकदम, हाँ जैसे कि तुम पता लगा प्रहलाद महाराज हो गए। अभी तो भक्ति अभी है नहीं, तो आप जब अपनी भक्ति स्ट्रांग नहीं होती तो आप ज़्यादातर क्या करते हो, जब आप गलत में होते हो तो चिल्लाते ज़्यादा हो। तो बेसिकली ऐसा मत करो, रिश्तों को तोड़ते थोड़ी हैं, रिश्तों को आप, उन रिश्तों को लाओ अपने साथ, तो वो अपने आचरण से आता है, ध्यान रखिएगा प्रभु। ये आपकी भक्ति जब आचरण में प्रवर्तित होती है, जब आचरण से लोग आते हैं बोलते अरे ये ऐसे करता था अब इतना चेंज हो गया है ना प्रभु जी, इसने घर में टाइम देना शुरू कर दिया, अरे तो आचरण जब चेंज हुआ तो अपने आप, अरे ये जैसे ज्यादातर लोग होते हैं शराब पीते थे, उन्होंने छोड़ दी शराब पीनी, अरे ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, तो ऑटोमेटिकली चेंज हुआ ना। अब ये इतना गुस्सा क्या करते थे, अब गुस्सा नहीं करते। शुरू में गुस्सा पीना पड़ता है, गुस्सा आता है तो पी लो, फिर आस्ते आस्ते गुस्सा पीने की जरूरत होती है, गुस्सा आता ही नहीं तो कोई चीज़ पीने की जरूरत पड़ती नहीं, परंतु शुरू में पीना पड़ेगा, साधना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साधना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली जब ऐसे कार्य करते हो तो एक चेंज आता है लाइफ में, उसको दूसरे देख के बदलते हैं, समझ में आया? तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, 8-9 क्वेश्चन से ले ले। दो एक नहीं, वो भोग का क्या है हाल है, रेडी है?
लग रहा है ना, वो जब तक भोग लग रहा है तब तक एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको भी फायदा हो जाएगा। बोलिए। एम राहुल पूछते हैं, इट इज सेड दैट इफ यू गो टू राधा रानी एंड प्लीज हर देन यू कैन रीच कृष्णा वेरी इजीली। दशहरा में लोग दुर्गा की पूजा करते हैं और दुर्गा जी से राधा रानी, दुर्गा जी इज राधा रानी हरसेल्फ, देन व्हाई वी कांट वर्शिप हर? नो, आई हैव टोल्ड दिस, दुर्गा जी इज अ एक्सपेंशन विच इज डूइंग अनदर वर्क, so she has not to be worshipped, there is no need to worship her, that is why everything is coming from Radharani, we are also coming from Krishna, so why should I worship Krishna, worship everyone, so that's not the point. In a particular swaroop of Radharani, because all are expansion of Radharani, Shivji is also expansion of Krishna. But it is stated you should not worship Shivji, worship Krishna and follow the orders of Shivji. And you cannot reach Krishna through Radharani. You can only reach Krishna through your Guru, who is a representative of Radharani. Remember this. You may worship Radharani throughout your life, but you cannot reach Krishna. Because this is Krishna's orders, that you come through the Guru, very clear orders. No one has come to Krishna without Guru. Not because that is instruction of Krishna only. आप बोलो मुझे कि basically आप मेरे पास आओगे तो ये इस PA से मिल के आना, किससे मिल के आना, PA से मिल के आना, तो आना ही पड़ेगा आपको। तो इसी तरीके से भगवान ने कहा है कि गुरु के थ्रू आओ, मतलब शरणागत होना सीखो, गुरु के शरणागत हो गए तब तुम्हें प्रैक्टिस होगी, कृष्ण की शरणागत क्या होती है, बगैर प्रैक्टिस से कैसे आ जाओगे। जैसे लोग कहते हैं शिवजी हमारे गुरु हैं, अच्छा तेरे कान कौन बैठेगा है बताइए मुझे, गुरु का काम क्या है, टीचर का काम क्या है, गलतियां बताना नहीं है, जब सही करे हाँ तुम सही हो, तुम्हारा ये गलत है, बताइए आप स्वामी प्रभु आप ही बताए, आप ही बैठे प्रभु जी बताइए, क्या काम है टीचर का, टू करेक्ट द चाइल्ड, जो उसकी वीकनेस है उसको कंप्लीट करना, जो ऑलरेडी सही है उसमें आप छेड़ते नहीं हो, जो उसकी वीकनेस होती है वो उसकी बताते हो। डॉक्टर क्या करता है, तेरा सर ठीक है, मार के तोड़ दिया, वे यार जो मेरा खराब हिस्सा है उसको सही कर। इसी तरीके से गुरु आपको तैयार करता है, आपको हेल्प करता है, तैयार करता है, आपका सेवक है गुरु। गुरु को जब ये सोचने लगता है कि मैं हूं बहुत बड़ा, वो मूर्ख है, गुरु क्या है, आपका सेवक है, आपको हेल्प कर रहा है, जो आपको हेल्प करता है वो कौन होता है बताइए, सेवक होता है। तो जब ही कहा गया है शास्त्रों में गुरु को सेवक भगवान, क्या कहा गया, सेवक भगवान, भगवान नहीं है वो सेवक भगवान है। और जो सेव्य जो भगवान सेवा लेते हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, ये सेवक है। तो ये गुरु का अहंकार कैसे आ सकता, मेरे को अपनी पोजीशन, हमें जो भी टीचर है उसको अपनी पोजीशन समझनी चाहिए, जो हेल्प करता है प्रभु जी वो सर्वेंट है, सही बात है गलत बात है, तो हमारा प्रिंसिपल जो है सर्वेंट लीडर का है, लीडर का नहीं है, सर्वेंट पहले हो तुम लीडर बाद में हो, और बॉस का तो कंसेप्ट ही नहीं है हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में बॉस बनने का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं, तो इसलिए। पुतुल सिंह का प्रश्न है, ये कहते हैं कि गोपियां कात्यायनी माता जी का व्रत क्यों करती थी और राम जी माता दुर्गा जी की आराधना क्यों करते थे? क्योंकि वो राम थे और वो गोपियां थी, तू पहले कोई गोपियां बन जा, कर लियो बताओ, सिंपल, राम जी कर सकते हैं हम कर सकते हैं। अरे आपने कभी देखा नहीं है फैक्ट्री के अंदर जो बहुत बढ़िया वर्कर होता है उसको हार पहनाता है ओनर, हार किसको पहनाया जाता है, तो पूजनीय होता है, परंतु ओनर बताता है कि ये बहुत अच्छा सेवक है, एक किस्म से हार पहनाना पूजा करने के बराबर है, यही भगवान बताते हैं कि ये जो दुर्गा जी हैं ये मेरी बड़ी अच्छी सेवक है, जो माया में सबको टेस्ट करती रहती है बार बार कि ये मेरे पास आने लायक है या नहीं है, ये मेरी आज्ञा को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा,
जेलर है वो, क्या है वो, दुर्गा, दुर्ग, दुर्ग का मतलब किला, ये भौतिक किला के इंचार्ज है वो, और वो उसी को निकलने देती है जो शुद्ध भक्त होते हैं, और किसी को निकलने देती नहीं है। आगे चलिए। अनमोल भरणवाल पूछ रहे हैं, मैं कैसे समझूं कि मैंने दिन में भगवान कृष्ण को सुबह से रात तक कितनी देर भुलाए रखा और कितना याद किया? स्टूडेंट्स और वर्किंग मैन इस बात को कैसे समझें? नहीं समझ सकते। जब तुम्हारा गोल भगवान के लिए होगा तब सही हो जाएगा। जब तुम पढ़ किस लिए रहे हो कि मेरे को जो ज्ञान आएगा इसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। आपका गोल, आज कोई भी बिजनेसमैन जब काम करता है किसके लिए करता है, अल्टीमेटली दिमाग में क्या चलता है पीछे, प्रॉफिट है कि नहीं है। आज सुरेश पोद्दार जी आए हुए थे हमारे पास, तो किसी का फोन आया होगा, बोले मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं तेरे साथ कोई बात नहीं करूंगा, मुझे प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? मुझे प्रॉफिट चाहिए, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं जब मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा। आज सेंटर पे आए हुए थे, बैठे फर्स्ट फ्लोर पे काफी देर, तो बोलने लगे, बिल्कुल क्लियर थे। इसी तरीके से हमारा सारा जीवन क्या है, कृष्ण भक्ति बढ़ेगी आगे इस काम से, नहीं घट अलग हो जाए। हाँ, सिंपल रूल है, मैं क्यों बिजनेस कर रहा हूं, मैं अपने लिए तो बिल्कुल सिंपल रहूंगा, क्या रहूंगा, भगवान के लिए, भगवान के लिए भव्य बनाऊंगा। क्या करूंगा? हम लोग क्या करते हैं, भगवान के लिए तो ठीक ठाक, अपने लिए भव्य, फिर गोली देते हुए तो भगवान के लिए बना रहा था जितना बड़ा घर, क्यों झूठ बोलता है, तो अपने लिए और अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए बना रहा था। ये तो सोने के लिए, सोने का बेड पे अच्छी नींद आती है, हैं बताना मुझे, थके होते हो तब अच्छी नींद आती है, और इसमें थकावट अगर कृष्ण के लिए हो तो वो भक्ति बन जाती है, फिर नींद भी भक्ति और थकावट भी भक्ति। इसको भक्तिमय करो स्टूडेंट लाइफ को भी, कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं नॉलेज ले रहा हूँ, कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट करूँ उसे ही तरह, है ना प्रभु जी, आपकी इंटेलिजेंस यूज करिए ना आप उसके लिए, आप अपनी बुद्धि उसके लिए लगाइए। ये है। हाँ जी। अनमोल वरणवाल का प्रश्न है, गुरुदेव मैं फिजिकली प्रचार तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं प्रचार के विषय में बहुत सोचता हूँ, तो क्या ये कृष्ण स्मरण है या मैं ईगो में सोच रहा हूँ, इसको कैसे चेक करें? मुझे तो आपका क्लियर नहीं है, क्यों नहीं कर सकते आप, क्या प्रॉब्लम है? जब आप प्रश्न कर सकते हो तो उत्तर भी दे सकते हो लोगों को, उत्तर तो एक ही है कि क्या कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सिंपल बोल, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, पता कौन नहीं करेगा। और मैं नहीं कह रहा, काली संतर उपनिषद कह रही, एक श्लोक तो याद कर लो, इति षोडशम नाम नाम कली कलमश नाशनम ना कह परोत्रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, याद कर लो इसको, इति षोडशकम, ये 16 नाम जो हैं कली कलमश न, सब कलमश को नाश कर देते हैं, तेरे जीवन में जितना कलमश है, प्रॉब्लम है, सब नाश। ना अतः परोत्रोपाय, इससे ऊपर उपाय कोई नहीं है, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों के दाने पे शुरू हो जा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र तो सब लोग लेने के चक्कर में होते हैं, कुछ ऐसा गूढ़ मंत्र दे देना, सब काम हो जाए, दे रहा हूं ले, तेरा सारा काम हो जाएगा, चिंता मत कर। आगे चल। रिया माता जी पूछ रही है, गुरु जी क्या करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए? मेरे को जूते पड़वाने के चक्कर में क्यों रहते हैं बता, क्योंकि मैं सत्य बोलूंगा है, मत रखा करो, पति मर जाएगा जल्दी, सारे करवा चौथ रखने वालों के पति जल्दी मरते हैं, देख लो पेपर उठा के, उसका नाम होगा लेट ये गया स्वर्ग, पत्नी है पीछे स्वर्ग पहुंचाने के लिए, किसने पहुंचाया? अरे भगवान के लिए रखो ना, भगवान को पति मानो अपना, हमसे बड़ा भक्ति दो मुझे भगवान, और कभी विद्वानी होगी होगी जो कृष्ण भगवान को आप मित्र मान लोगे, कभी मित्रहीन होगे बताइए आप, पिता मान लिया अगर कृष्ण भगवान को, कभी अनाथ होगे, सनाथ थे सनाथ हो और सनाथ, ऐसे रिश्ते बनाओ ना, भगवान को अपना पुत्र बनाओ, कभी नहीं छोड़ेंगे,
कभी नहीं छोड़ेंगे, ये रिश्ते पैदा करो। परंतु ये रिश्ते पैदा करने के लिए जाना तो गुरु के थ्रू पड़ेगा। तो इसलिए अब मैं नहीं बोल रहा, ये शास्त्र कहते हैं कि हरि वासर के सिवा जो भी उपवास करोगे उससे विनाश ही होगा। हरि वासर अर्थात एकादशी, रामनवमी, ये सब हरि से जुड़े हुए, फिर प्रभुपाद जी का जैसे जन्मदिन है, ये सब। तो ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने एक और वृंदावन से मैगजीन निकलती है, वहाँ के बहुत प्रखंड वो पंडित हैं, उनकी मैगजीन में ये पूरा आर्टिकल आया था। उसमें लिखा था हरि वासर के सिवाय जो भी व्रत करोगे उससे नाश ही होगा। क्योंकि प्रभु जी दूसरे व्रत सोचो, इसको आपको दूसरे व्रत से कुछ मिला, ठीक है, उससे आप आसक्त हो गए, अब उसको तो छोड़ना पड़ेगा आपको, तो दुख कम होगा ज़्यादा होगा? तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा बताइए आप मुझे, दुख के सुख है जी। तो इसीलिए तो इसका मैं रीजन सोच रहा था, मैंने शास्त्रों में हर चीज के पीछे कोई रीजन तो होता होगा। तो इसका रीजन ये है कि भौतिक चीज मिल जाएगी वो अस्थाई है। भगवान गीता में कहते हैं काम अस्थाय श्रित ज्ञान प्रपदंती अन्य देवता, कि जिसके इच्छाएं जबरदस्त होती हैं वो दूसरे देवताओं के पास जाता है। फिर अंतवत्तु फलम तेषां, उन फलों का अंत होता है। अंतवत्तु फलम तेषां तद भवति अल्पमेधासां, उसको बड़ा कम बुद्धि का है। क्योंकि क्यों ले रहा है टेम्परेरी चीज? आज तुझे उपवास करने के लिए सुबह से रात तक तू क्या उपवास कर रही है? कि मेरे पति का लंबी उम्र हो जाए, होगी जितनी है उतनी रहेगी, क्योंकि उसकी लंबी उम्र हो जाएगी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कर्मों की जो साइकिल है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगी। परंतु ये फायदा कब करता था करवा चौथ? जब पति कृष्ण भक्त हो, जब पति कृष्ण भक्त हो टोटल, तो उसको करवा चौथ करके नहीं, ये करके कि मैं अपने जो जो भक्त है उसके लिए मैं ये कर रही हूँ कि इनकी लंबाई हो रहा और ये कृष्ण भक्ति कर सके। ये करवा चौथ, ये असली करवा चौथ है, ये भक्ति करें, भक्ति में श्रेष्ठ हो जाए। क्या हो जाए? इस इच्छा से ये लंबी उम्र हो जाए। क्या होगा लंबी उम्र होगी? क्या वो कहावत नहीं है जैसे पेड़ खजूर है, वो क्या है, छाया नहीं मिले और पंथी को छाया नहीं है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे थी दूर दूर, फल भी नहीं मिल रहा है, लंबी उम्र हो जाए। लंबी उम्र के लिए नहीं करती, कहती कुछ साड़ी फाड़ी मिलेगी ये सब मिलेगा। दीपक राठौर कह रहे हैं गुरुजी आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा पहले का सारा जीवन व्यर्थ हो गया और शादी गलत ही हो गई मेरी। नहीं देखो जो कहा है वो, यहाँ जितने गृहस्थ बैठते हैं सब आपकी बात से सहमत हैं। मतलब तो पत्नी को भक्ति बना, भक्त बना दो तो कोई सब सही हो गया। प्रभुपा जी कहते थे कि इफ द वाइफ इज गुड इट इज गुड, बट इफ वाइफ इज नॉट हेल्पफुल इट इज एक्सीलेंट। क्यों छोड़ के चला यार तू? क्या इफ द वाइफ इज हेल्पफुल इट इज गुड, बट इफ द वाइफ इज नॉट हेल्पफुल इट इज एक्सीलेंट। तो बेसिक फैक्ट यह है कि अब जो आपने चला गया जीवन चला गया, अब आगे के जीवन को सही करो ना, इमीजिएटली शुरू कर दो, चाहे वो एक दिन हो चाहे एक मिनट हो, मृत्यु से पहले भी अगर हो जाए जितना कर सकूं, अरे वो ही टिका रह जाएगा। एक मिनट पहले भी मृत्यु के पता यार कर लो तो अभी भगवान, हम चाहेंगे भगवान तो क्या आपके जितनी भी उम्र बची है इमीजिएटली शुरू कर दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है डोंट लूज हार्ट, पता लग गया ना बस, जैसे आपको पता लग जाए कि मेरे घर के बीच के अंदर हीरा है, क्या करोगे? मुझे
रात को 12 बजे पता लगेगा जेसीबी ढूंढोगे, घर तोड़ निकाल है एकदम फटाफट, जैसे पता लग गया किसी को सर्वे को फोन कर रहा है, अरे जेसीबी लेके आए जल्दी क्या है। हाँ तो महात्मा दास भाग रहे हैं, सर्वे के बोल रहे हैं महात्मा दास जी, अरे महात्मा प्रभु क्या कर रहे हो यार, असली महात्मा बनो, पास हीरा है यार, अरे घर क्यों तोड़ रहे हो, अरे तोड़ ना दो ऐसे तो 50 बन जाएंगे इसे एकदम, ये पता लग गया भक्ति श्रेष्ठ है, बस पकड़ लो उसको, छोड़ो नहीं पकड़ लो, आगे चलो। कल्पू चौहान पूछ रही हैं, गुरु जी मुझे कृष्ण से बड़ा प्रेम है लेकिन मेरे कुछ मित्र हैं जो निराकारवादी हैं और वो बोलते हैं कि भगवान नहीं होते और उनकी बातें मुझे बहुत दर्द पहुंचाती हैं कभी कभी और भगवान पर विश्वास भी कम हो जाता है, क्या करूं? ऐसे मित्रों को छोड़ दो, सिंपल बताइए आप, इसका उत्तर एक सिंपल है कि सांप को रखूंगी भी और वो कटवाऊंगी भी, छोड़ देना सांप को, क्यों ऐसा कर रही है, बार बार फिर दवाई खाने जाऊंगी, तो इसी तरीके से छोड़ दो, वो मित्र ही नहीं, मित्र कहाँ है, जो अपने असली मित्र से दूर कर दे वो मित्र कैसे हो सकता। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मैं मित्र हूं और उसी मित्र से ज्यादा कर रहे हैं, अरे वाह, छोड़ दो उनकी मित्रता, हम अकेले कभी नहीं है, कृष्ण हमारे साथ थे हैं और रहेंगे, गुरु हर टाइम हमारे साथ रहते हैं, कभी नहीं छोड़ते, इसलिए छोड़ दो, इसका कोई और वो नहीं है, क्योंकि मित्र को प्रचार करना बहुत मुश्किल होता है, मैं कभी मित्रों में प्रचार नहीं किया, ना मैंने अपने रिश्तेदारों में कभी प्रचार किया, क्योंकि जब तक व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो सुनेगा नहीं, और मित्र जो होते हैं वो, जब तो अर्जुन ने भी कहा कि मैं मित्रता छोड़ दीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं शिष्य बन रहा हूं, जब तक मित्र कोई ऐसा ना हो कि जो जानना चाहे वो आए तो ठीक है, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करो और उसको सिखाओ, उसको ज्ञान दो, उसको भक्ति का ज्ञान दो, परंतु यदि मित्र नहीं चाहता है तो उसको छोड़ दो, बेटर बेस्ट यही है, एक ही तरीका है। धन्यवाद। आगे आदित्य सागर पूछते हैं कि गुरुजी मैंने आपका गीता का कोर्स सुना है किंतु मैं हरे कृष्ण महामंत्र के जप पर उसको ध्यान से ध्यानपूर्वक सुन नहीं पाता हूँ, कृपया हेल्प करें। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हेल्प एक ही चीज है आपको, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, करत करत अभ्यास जड़बद्धि हो सुजान, जड़बद्धि हो सुजान, सुजान हेलो, देखो कहावत भी है, तो होगा दो बार सुन पाओगे एक बार गायब, फिर एक बार सुन पाओगे एक बार गायब, क्योंकि अभी आदत नहीं है सुनने की, सुनाने की आदत है, तो सुनने की आदत डालो, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिंपल। आगे चलिए, विष्णु मिश्रा पूछ रहे हैं गुरुजी राधा रानी किसका अवतार है? किसी का नहीं, राधा रानी आदि शक्ति है, राधा रानी जैसे कृष्ण भगवान आदि भगवान है, ओरिजिनल भगवान, तो इसी तरीके से राधा रानी ऑटोमेटिकली ओरिजिनल होगी, है ना, गीता जैसे भागवत कहता है वेद व्यास जी जिन्होंने जिससे यहाँ पे सारा ज्ञान लिया है, अनेक अनेक दुर्गा माता और शनि देव और ये सबका लिया है जिसका ज्ञान, वो स्वयं अंत में श्रीमद भागवतम की रचना करने पर उन्होंने साफ कह दिया, हे तचाम सकलम तुम सा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, हे बाकी सब आपकी हे तचाम आपके अंश हैं या कलाएं हैं, स्वयं भगवान तो कृष्ण आप ही हो, और वो कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, हमारे कहाँ के ब्रज के कृष्ण, तो अवतार ही नहीं हो किसी की, तो अवतार ही है क्या, जैसे कृष्ण भगवान अवतार ही है इसी तरह राधा रानी भी अवतार ही है समस्त शक्ति। आगे चलिए, श्री माधवी देवी दासी माता जी का कमेंट है, गुरुजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरुजी, दशहरा का ऐसा एक्सप्लेनेशन जीवन में किसी से नहीं सुना, आपने जितनी जबरदस्त तरीके से प्रेरणा दी है कि अपने अंदर के रावण को मारने का प्रयास करूंगी, आपकी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, हरे कृष्ण, आपको
विजय प्राप्त हो। आज विजयदशमी है ना, तो विजय प्राप्त हो किस पे? अज्ञानता रूपी रावण पे। आगे चलिए। अरविंद वर्मा कहते हैं, प्रभु जी मैं फुल टाइम के लिए आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मैं शुद्ध भक्तों का संग चाहता हूँ और मैं अपने मनुष्य जीवन को सफल करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? 9210531053 फोन करो, 6 एक्सटेंशन है, उस पर बात करो, सिंपल। 9210531053 6 एक्सटेंशन, बात करिए। दीपक राठौर कह रहे हैं, गुरुजी इस्कॉन वाले बहुत सारे ऋत्विक को इस्कॉन के बहुत सारे लोग ऋत्विक को मायावादी सिद्धांत कहते हैं, जैसे कि आप प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु कहते हैं, वो कहते हैं कि मायावादी सिद्धांत है ये, ऐसे मूर्खों के बारे में आपका क्या विचार है? मूर्खों को छोड़ दो, मूर्खों को छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि प्रभुपाद जी को वो फॉलो नहीं करते, उनके पास कोई ये ऑर्डर ही नहीं है प्रभुपाद का कि तुम गुरु बनो। और प्रभुपाद ने बार बार इस बात को रिपीट किया है कि जब गुरु बनाएगा तुम्हें गुरु, तब तुम गुरु बनोगे, दीक्षा गुरु की बात हो रही है। माया में तो वो बेचारे हैं, मैं उनको बेचारा कहता हूँ, उन्होंने प्रभुपाद को निकाल के बाहर फेंक दिया। प्रभुपाद ने कहा था शिक्षा गुरु का काम है दीक्षा गुरु को फॉलो करो, उन्होंने प्रभुपाद को शिक्षा गुरु बना दिया कि जो दीक्षा गुरु को फॉलो करेंगे। कमाल के लोग हैं, प्रभुपाद का खुद का ऑर्डर था ये, बोलो ना मुझसे बात करने के लिए उनको, बोले मायावादी को चेंज करो वृंदावन चंद्रदास को, क्या करो उनसे बात तो करो आप, वो तो बात करने को तैयार है, बात करो उनसे, खुला ओपन चैलेंज, शास्त्रार्थ करो अगर तुम्हारे में शक्ति है तो। प्रभुपाद के चलेंगे हम, शास्त्रों को प्रभुपाद के थ्रू देखेंगे, शास्त्र मत लाओ जब तक कि प्रभुपाद की आज्ञा ना हो तो, प्रभुपाद ने जो बोला वही शास्त्र है, समझ गए? प्रभुपाद ने बार बार कहा है इस बार, गुरु मुखा पद्मावाक्या, गुरु ने ऑर्डर नहीं दिया दीक्षा गुरु बनने के लिए, उन्होंने ऑर्डर दिया था ऋत्विक बनने के लिए। अब मैं क्या करूं इनका, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूं कि भटके जीवों को सही रास्ता दिखाए। आगे चले। श्वेता राजपूत लिख रही है, गुरु जी मैं आपको हृदय से प्रणाम करती हूँ और आपकी वजह से मैं मेरे जीवन में बदलाव आ गया है, बस आपके दर्शन करने की इच्छा है, कृपा करके आप अपने डिस्क्रिप्शन में अपना एड्रेस जरूर लिखते हैं। हमारा एड्रेस बड़ा सिंपल है, तो जयपुर में है 635 विश्वामित्र मार्ग, हनुमान नगर एक्सटेंशन, जयपुर। सिंपल एड्रेस है ना, सिंपल। आगे चलिए। निधि यादव लिख रहे हैं, गुरुजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मुझे ये जानना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे हर जन्म में श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा मिले, मैं सिर्फ उनके लिए ही और किसी के लिए सेवा न करूं। हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक करिए, कलयुग के अंदर यही एक चीज है, और गुरु की आज्ञा पालन करिए। हाँ जी बोलिए प्रभु। गुरुजी कार्तिक स्नान से क्या लाभ है? हमारे सारे जो हम कार्य करते हैं उसका एक ही चीज करते हैं, एक ही लाभ चाहते हैं, कृष्ण भगवान की शुद्ध भक्ति, हमारी और कोई इच्छा नहीं है। बड़ी क्लियर है, हम कंफ्यूज नहीं है कि ये भी होती है, ये भी नहीं, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, शुद्ध कृष्ण भक्ति। हम तो रोज जो साधना करते हैं हमारे लिए तो डेली कार्तिक है, हमारे गुरु महाराज कहते थे हम तो डेली कार्तिक, हम रोज सुबह नहाते हैं, है जी, सूर्य उदय से पहले नहाते हैं। ये कार्तिक महीने में जो लोग करते हैं ना, ये उन लोगों के लिए जो साल भर नहीं करते, अबे एक महीने तो कर ले, हमारा तो 12 महीने कार्तिक चलता है। क्या रोज दीपदान करते हो कि नहीं बताओ, आरती में क्या हो रहा है रोज हो रहा है दीपदान। ये उन लोगों के लिए एक्चुअली कार्तिक, उन लोगों के लिए जो कि भक्ति नहीं करते, एटलीस्ट एक महीने तो कर ले, एक महीने उठ जाओ शुरू में, एक महीने दीपक जला ले और कर ले, ये उनके लिए यार। वो तो हम तो रोज करते हैं, हमारे लिए भक्त के लिए डेली कार्तिक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कार्तिक मुझे पढ़ा है, इसे प्रभुपाद ने लिखा है इस चीज़ को, कि बेसिकली कार्तिक एंड दिस फेस्टिवल्स आर फॉर पीपल हु आर नॉट डिवोटीज ऑफ कृष्णा। हम रोज दिवाली नहीं मनाते, हम रोज भगवान को अपने जीवन में नहीं लाते हैं, बताओ। हम रोज
हमारा हर फेस्टिवल हम रोज करते हैं, परंतु ये फेस्टिवल जैसे हम गोवर्धन पूजा करेंगे, है ना, कब की है दिवाली, चार की, तो पांच की गोवर्धन पूजा, उसमें हम तो गोवर्धन जी की रोज पूजा करते हैं, गोवर्धनधारी की, किसकी, गोवर्धनधारी की रोज पूजा करते हैं, करते हैं रोज पूजा करते हैं। उस दिन हम सोलह वो बनाते हैं कि लोग आ जाए, लोग आए तो कार्तिक का, इसीलिए कार्तिक का महत्व करा जाता है जो लोग। हाँ जी, कार्तिक मास कब से? 20 तारीख से। हाँ जी आगे लास्ट क्वेश्चन है गुरु जी आज का, अनमोल बरुणाल का प्रश्न है, ये कहते हैं कि सिंसियर कहलाने के लिए मिनिमम पैरामीटर या क्वालिफिकेशन क्या है? आज के लेक्चर के लिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, और मैं आपके आपके वचनों को आचरण में लगाने का प्रयास करूंगा। मुझे ये बताइए मिनिमम क्वालिफिकेशन और पैरामीटर क्या है सिंसियर कहलाने के लिए? कुछ नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करना, बस फिनिश्ड, और कुछ है ही नहीं, सिंपल। सदगुरु जो कहते हैं, सदगुरु नहीं, क्या कहते हैं, बोनाफाइड प्रभु जी, प्रभुपाद कहते हैं, हाँ हिंदी में प्रामाणिक गुरु, बस खत्म। प्रमाणिक वो है जो कि कृष्ण का भक्त है, और कृष्ण की वाणी को अपने गुरु महाराज की वाणी को यथारूप आगे रखे, बस। कुछ नहीं, पहचान दीक्षा गुरु के, पहचान क्या, पहचाने की जरूरत ही नहीं है, और कार्य से फंक्शन के जिस चक्रों पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रभुपाद हमारे दीक्षा गुरु है, प्रभुपाद दीक्षा गुरु होता है, संबंध ज्ञान सिखाता है, मैं कौन, प्रकृति क्या, भगवान क्या, इनका भक्त संबंध क्या, सब समझा दिया। शिक्षा गुरु वो है जो बेसिकली आपको भक्ति के अंदर लगाता है, हाँ बस। जैसे आज मैं बता रहा हूँ, मुझे कई बार लोग पूछते हैं कुरुक्षेत्र से यहाँ क्यों आ गए, भगवान लेके आए, उन्हें कहा यार तू संबंध ज्ञान में क्यों फंसा हुआ है, भगवदगीता संबंध ज्ञान की बात करती है, तू तो भागवत की बात कर। गोविंद देव जी क्या है, शिक्षा गुरु के वो है, शिक्षा गुरु के जो रिप्रेजेंटेटिव है रूप गोस्वामी जी, उनके कौन डेटीज हैं, राधा गोविंद देव जी। तो भगवान ने बोला अब संबंध ज्ञान बहुत हो गया, अब कहाँ आ जा, तो उसमें आ जा, अभी देव है। अब डिवोटी कहता अरे आप क्या, मैं सच कह रहा हूं, आप बताइए कौन सा कहाँ आना चाहिए, संबंध ज्ञान जानने के बाद किसमें आना चाहिए, अभेदे में, अभेदे की डेटीज कौन है, गोविंद देव जी, और प्रयोजन की भी यहीं बैठी है, राधा गोपीनाथ प्रयोजन की भी यहीं बैठी है। तो इसलिए भगवान ने मुझे कुरुक्षेत्र से उठा के यहां रख दिया, तो अब क्या करोगे आप, हम तो ये मानते हैं इतना तो है कि हम अपने कर्मों से नहीं चल रहे, हमने इतना तो कर लिया है कि जहां भगवान हमें गाइड कर सके। तो गुरु जी इसका मतलब शिक्षा गुरु शुड बी लिविंग पर्सनालिटी? हाँ बिल्कुल, हमारे नो एब्सोल्युटली रॉन्ग, ओनली इन प्रभुपाद संप्रदाय, बस हाँ बस खत्म। अगर प्रभुपाद अनुग्रह हो, दीक्षा गुरु है प्रभुपाद जी, और तुम्हारे जीवन में शिक्षा गुरु होना चाहिए, और जिसके कि आप इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो एक बॉडी हो शिक्षा रूप के रूप में, जिसमें 4, 5, 6, 10, 15 लोग हों जो कि एक इंस्ट्रक्शन पास करें, वो आपको करना चाहिए। और वो किसी को अगर ऑथोराइज करते हैं कि तुम को अथॉरिटी हो, तो वो शिक्षा गुरु आता है, वर्किंग अंडर द शिक्षा गुरु ऑफ दी कम जो GBSS बॉडी है। शिक्षा गुरु आपको भक्ति, एक्चुअल भक्ति के अंदर, डे टू डे भक्ति के अंदर देखता है। वो कहाँ देखते हैं, उनको पता ही नहीं, वो बेवकूफ बना रहे लोगों का, वो मूर्ख बना रहे हैं सबों का, बिल्कुल गलत है, वो मूर्ख नहीं महामूर्ख बना रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति को फैला रहे हैं, परंतु उसका बेस जो है गुरु को गायब कर दिया। वो मैं उनको ये नहीं कह रहा कुछ भी, मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक कृष्ण भक्ति पहुंचा रहे हैं, परंतु भक्ति दे नहीं पा रहे, क्योंकि गुरु के बगैर भक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी को वापस दीक्षा गुरु के लेवल पर उनको लाना पड़ेगा, जो प्रभुपाद ने कहा उसको मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो बिचारे कहलाएंगे। इतना प्रचार करने के बाद आखिरी में कुछ भी नहीं हुआ, चूर्ण के नोट लिया है मतलब बिजनेस किया, पूरे देर इतना पैसा इकट्ठा किया है प्रभु जी, परंतु जब गिना तो क्या निकले, चूर्ण के नोट निकले। इसी तरह इसीलिए प्रभुपाद को दीक्षा गुरु मानो, इस्कॉन को एक करो,
सब प्रभुपाद के अंडर है। और ये प्रभुपाद का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मैं तो उनसे कहता हूं ना, एक बार दिखा दो मुझे प्रभुपाद ने कहा किसी को दीक्षा गुरु बनाया है। मैं तो आज भी कह रहा हूं, मैंने अपने पोस्ट भी किया था दीक्षा उस पर और दूसरे उस पर पोस्ट भी किया था कि प्रभुपाद जी ने क्या अभी पीछे क्या कहा। प्रभुपाद ने साफ कहा, मैंने पढ़ा वो पोस्ट, सुना, सुनो उस पोस्ट को सुनो। और अक्षर निताई कहा है, ये क्या गप्पे मार रहे हैं बाहर? तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए जो बाहर गप्पे मार रहे हो, कमाल है। क्या भक्ति करोगे तुम? कुछ भक्ति नहीं कर सकते। हाँ मैंने डाला है, तो एक ग्रुप और बनाओ जो लोग इंटरेस्टेड है इसमें, अक्षर निताई, उन सबको जोड़ो। तो मैं जो पोस्ट करता हूँ प्रभुपाद जी की चीजें पोस्ट करता हूँ या कोई और पोस्ट करता हूँ उसको, मैं तो चाहूंगा, मुझे दो मिनट दीजिए, मैं चाहूंगा आपके सामने मैं उसको रखूं, उस पोस्ट को मैं रखूं आपके सामने। कौन सा वाला है? ये है, यही है क्या? Prabhupada would have any question. Are there any questions? आपको स्पिरिचुअल लीडर किसने बनाया कृष्णा कॉन्शियसनेस का? प्रभुपाद जवाब दे रहे हैं, व्हेन डिड यू बिकम द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस? व्हेन माय गुरु महाराज ऑर्डर्ड मी। दिस इज द गुरु परंपरा। ट्राई एंड प्लान, अंडरस्टैंड, डोंट गो वेरी स्पीडीली। ए गुरु कैन बिकम गुरु व्हेन इज ऑर्डर्ड बाय हिज गुरु। दैट्स ऑल। क्लियर एकदम। गुरु जो भी बन सकते हो, तो गुरु ने ऑर्डर किया तुम्हें गुरु बनने के लिए, अर्थात दीक्षा गुरु। पहले गुरु तो समझो, फिर गुरु धारण समझो। जैसे नियम है, गुरु जो बोलेगा उसको सुनने पड़ेगा। शादी मांग प्रपन्न, आई एम सरेंडर टू व्हाट एवर यू से, आई शुड कैरी ऑन। दैट्स ऑल। आपको कब बोला आपके गुरु महाराज ने? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इट इज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट थिंग दैट आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू। आई एम जस्ट क्यूरियस। यू शुड बी क्यूरियस विद इन योर लिमिट। हाँ, आपको इतना ही पूछना चाहिए अपने लिमिट के अंडर। दैट वन कैन बिकम गुरु व्हेन इज ऑर्डर्ड बाय टू बिकम गुरु। क्लियर। Is that as good as thinking of Krishna? Yes, because it is said, Jasya Prasadat Bhagavat Prasad. If you can please your Guru, then you please Krishna. So if you make always this plan, how to please my Guru, then you please Krishna. What is that?
actually a problem. It is said in the Bhagavad Gita that if one sings in the time of death, if he sings of Krishna, he goes to Krishna. What is it one sings of his spiritual master? He'll go to Krishna. The spiritual master is also going to Krishna. Now this question should be on the subject matter which I have discussed. Don't bring outside question, then there it will be no end. This is not the process. When we invite question on the subject matter which I have spoken. Anyway, any other question? तो उनसे प्रश्न किया, एक और प्रश्न किया कि भगवान कहते हैं कि जो भी तुम सोचोगे मृत्यु के समय वही जाओगे। तो अगर हम गुरु अपने गुरु के बारे में सोचते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? बोल कृष्ण लोग जाओगे, क्योंकि गुरु भी वही जा रहे हैं। तो बड़ा, और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट गई कि मैं जो लेक्चर दे रहा हूं उस पर क्वेश्चन करो, नहीं तो इसका कोई अंत नहीं है। जो लेक्चर दिया है उस पर प्रश्न करिए, नहीं तो आप टीचर लोग बैठे हैं यहाँ पर बीच में, बताइए आप सब्जेक्ट मैटर को डील करते हैं ना, कि जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके बारे में बात करिए, उसके बाद प्रश्न करिए, इधर उधर के प्रश्न करने की जरूरत नहीं, नहीं तो कोई एंड नहीं है। अगर वो क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं तो वो एक्चुअली प्रभुपाद ने कहा था अगर तुम मेरे डिसाइपल नहीं हो तो प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक तुम डिसाइपल नहीं हो तुम्हें प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। क्यों, किस अधिकार से आप प्रश्न कर रहे हैं? एक कॉलेज के अंदर जो कॉलेज का स्टूडेंट होता है उसी के तो क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं प्रभु जी, बताइए आप मुझे। क्योंकि उसने अपने आप को स्टूडेंट माना, सरेंडर किया और उस कॉलेज के नियम में पालन कर रहा है, वो टीचर को टीचर समझ रहा है। ये अरे क्या हुआ, तुम्हारा भोग नहीं हुआ अभी तक? हाँ तो अच्छा मुझे बता दिया करो ना, अभी बताया करो पहले, हट जाए इतना डिले क्यों कर दो। तो ये चीज हमें, तो हम बड़े क्लियर है प्रभु जी, प्रभुपाद साफ कहा तुम्हारा जब गुरु ऑर्डर करेगा तब तुम दीक्षा गुरु बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। और प्रभुपाद ने किसी को दीक्षा गुरु नहीं बनाया इस फॉर्म, उन्होंने सबको ऋत्विक बनाया कि तुम मेरे बिहाफ पे दीक्षा दोगे और जिसको दीक्षा दोगे वो मेरा शिष्य होगा। और शिक्षा गुरु बताया उन्होंने शिक्षा गुरु के बारे में, हर टाइम दीक्षा गुरु नहीं होता तो उस टाइम जो सीनियर एडवांस डिवोटी है उसको अपना इंस्ट्रक्टर बनाओ, वो आपको गाइड करेगा, उसी को शिक्षा गुरु कहते हैं। तो क्या कहते हैं? और चैतन्य चरणामृत कहती है शिक्षा गुरु की इज्जत दीक्षा गुरु के बराबर होनी चाहिए, जो नहीं करता है वो नरक जाता है। तो इस कौन में क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे? तुम्हें इज्जत चाहिए ना, इज्जत ले लो, शिक्षा गुरु को इज्जत भी मिलती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? आप मेरे को इज्जत करते हो किस लिए बताइए? मेरा पैसा है नहीं, क्योंकि मैं आपको गाइड करता हूं, मैं आपको नॉलेज देता हूं, इसलिए आप मेरे पास आते हो। सही बात है, गलत बात है बताइए आप? मैं तो टीचर हूँ, और टीचर की क्या चीज उसकी होती है? टीचर का काम है ज्ञान देना, अच्छी तरह ज्ञान देगा रिस्पेक्टेड हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। टीचर है थोड़ी का पैसा बहुत है या बड़ी गाड़ी है या ये है, कुछ नहीं है वो, टीचर का कोई मतलब नहीं है इससे। वो उसके पास उसके को प्रॉब्लम भी नहीं है, परंतु मेन चीज क्या है कि कृष्ण का ज्ञान है, तो ये बेसिक चीज है। तो आप सबसे हमारा आज के दिन अनुरोध है इसको फॉलो करिए और जीवन में सीरियस ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा गोप श्रेष्ठ की, श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, दशहराम महाउत्सव की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।